गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। सो ऐसा है, हम लोग आज मीटिंग्स वाले चैप्टर के ऊपर डिस्कशन चालू करेंगे। पिछली क्लास में हमने चार्जेस के बारे में देखा था, जिसमें काफ़ी कुछ दिक्कतें आई थी और इसीलिए मैंने आपको वीडियो अवेलेबल कराया था। आज हम चर्चा चालू करने वाले हैं कंपनी मीटिंग्स के बारे में। चार्जेस के ऊपर जो डाउट्स होंगे वो अपन कल की क्लास में ले लेंगे। एक दिन आपको मैं दे रहा हूँ ताकि आप वो क्वेश्चंस वगैरह भी देख लो, और साथ में हम कल क्वेश्चन डिस्कशन कर लेंगे। एक छोटा सा टॉपिक जो एक्स्ट्रा का मुझे बताना है, जो कि वैसे पूछा नहीं जाएगा बट एक्स्ट्रा का बताना है, वो हम देख लेंगे कि डिबेंचर्स किस किस प्रकार के होते हैं। ऊपर ऊपर बताया था, एक बार और देख लेंगे। और फिर कल के क्लास में अपन पूरे जितने भी अभी तक के क्वेश्चन आंसर्स होंगे, जितने भी पिछले तीनों चैप्टर्स के क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए होंगे या नहीं जमे होंगे, इंक्लूडिंग द क्लास टेस्ट, वो भी अपन देख लेंगे। तो चालू करते हैं अपन आज की बात। आज हम चालू करने वाले हैं कंपनी मीटिंग्स वाले चैप्टर से। जब मैं बात करता हूं कंपनी की मीटिंग्स, तो इसका मतलब क्या है, क्या समझ में आता है आपको? तो कंपनी के लोग मिलेंगे। कंपनी मीटिंग्स मीन्स कंपनी थोड़ी मिलेगी, कंपनी बोलती चलो भाई मिल के आते हैं चली कंपनी, तो नहीं, तो ऐसा नहीं होगा। तो कंपनी मीटिंग्स मीन्स कंपनी के जो लोग हैं वो मिलेंगे। कौन कौन लोग होते हैं कंपनी में? तो अगर आप कंपनी के एंगल से देखें तो कंपनी को बनाने वाले कुछ लोग हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, मेंबर्स। तो कंपनी को बनाने वाले लोग, इन्होंने कंपनी का निर्माण किया। कंपनी को बना के इसका जो संचालन है, इसकी जो वर्किंग है, ये इन्होंने हैंड ओवर कर दिया है टू दी डायरेक्टर्स। और इन डायरेक्टर्स को ही हम जब कलेक्टिवली देखते हैं तो हम इनको बोलते हैं बोर्ड। ये चीजें आपको पता है। तो सबसे पहले कौन कौन लोग हैं एक कंपनी में, ये हैं जिनको हम बोलते हैं मेंबर्स। फिर ये है कंपनी और ये है डायरेक्टर्स। तो मीटिंग कौन कौन सी होती है? तो दो जनों की मीटिंग होती है। कंपनी तो ठीक है, कंपनी तो खुद है ही एक अलग व्यक्ति विशेष, बट मीटिंग किसकी होती है? पहली चीज, मीटिंग होती है मेंबर्स की। मेंबर्स की मीटिंग दो प्रकार से हो सकती है। मेंबर्स की मीटिंग को पहले बोलते क्या है, तो इसको हम बोलते हैं जनरल मीटिंग। तो जनरल मीटिंग नाम से इसको हम संबोधित करते हैं, हम बोलते हैं जनरल मीटिंग। ठीक है, आम बैठक, बैठक होती है, मीटिंग, बैठते हैं लोग, आते हैं, बातें करेंगे, गप्पे मारेंगे। तो नहीं, गप्पे मारने नहीं जाते, बट देखेंगे अपन क्यों जाते हैं, क्या जरूरत है मीटिंग की। तो एक तो होती है मेंबर्स की मीटिंग, दूसरी किन की मीटिंग होगी, डायरेक्टर्स की, जिनको हम बोलेंगे बोर्ड मीटिंग। तो बोर्ड की मीटिंग होती है, बोर्ड मीन्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सो इन लोग कलेक्टिवली मिलके कई चीजें डिसाइड करते हैं। तो जनरल जो छोटी मोटी चीजें हैं, रोज की वर्किंग है, वो तो ऐसे ही हो जाती है, लेकिन कभी कभी जब थोड़े बड़े डिसीजन लेना है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी मीटिंग करके डिसाइड करते हैं। बाकी छोटी मोटे डिसीजंस तो खुद ही ले लिए जाते हैं, या तो कोई मैनेजिंग डायरेक्टर वगैरह होगा वो ले लेगा, या तो किसी को सीईओ वगैरह करके अपॉइंट किया होगा, मैनेजर अपॉइंट किया होगा, वो लोग देखेंगे रोज की जो चीजें हैं। बट थोड़ी बड़ी चीज है, जैसे प्रॉपर्टी खरीदना है, तो ऐसी चीजों के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिलेंगे, बातें करेंगे, डिस्कशन होगा और उस मीटिंग में डिसीजन पास होगा। ये जो डिसीजन होता है जब बोर्ड मीटिंग में किया जाता है, इसको हम बोलते हैं बोर्ड रेजोल्यूशन। सो ये आपको पता है, बोर्ड रेजोल्यूशन, जो कि सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाता है। और जनरल मीटिंग कैसी होती है? जैसा कि मैंने आपको बताया, जनरल मीटिंग अगेन दो प्रकार की होती है। एक हम बोलेंगे एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग। जिसको हम प्यार से एजीएम बोलते हैं। और दूसरी होती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। सो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी,
जनरल मीटिंग, इसको ईजीएम बोलते हैं या ईओजीएम भी बोलते हैं कुछ लोग, तो कुछ भी बोला जा सकता है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो ये दो प्रकार की मीटिंग होती है, कोई भी हो, वो एजीएम हो या ईजीएम हो, दोनों ही मीटिंग में जो डिसीजंस होते हैं, डिसीजंस दो प्रकार से हो सकते हैं। पहला डिसीजन होगा जो कि एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन कहलाता है। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन मींस क्या, अब आपको पता है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन का मतलब है जहां पे मोर देन 50% लोग अगर हां बोल देते हैं तो हम बोलते हैं डिसीजन पास हो गया, इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। और दूसरा होता है स्पेशल रेजोल्यूशन, सो स्पेशल रेजोल्यूशन का क्या मतलब है, जहां पे मोर देन और इक्वल टू 75% लोग अगर हां बोलते हैं तो हम बोलते हैं डिसीजन पास हुआ। तो ये एक और रेजोल्यूशन होता है, स्पेशल रेजोल्यूशन, ठीक है। तो बेसिकली दो प्रकार के रेजोल्यूशन आपको देखने को मिलते हैं, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन एंड स्पेशल रेजोल्यूशन। अब और कौन सी मीटिंग हो सकती है, तो कभी कभी ये पूरे मेंबर्स की मीटिंग न बुलाते हुए हम किसी पर्टिकुलर मेंबर की भी बुला सकते हैं, जैसे सिर्फ प्रेफरेंस शेयर होल्डर की हमने मीटिंग बुलाए, या मेंबर्स में कोई पर्टिकुलर क्लास की मीटिंग बुलाए, पूरे शेयर होल्डर्स को बुलाने के बदले सिर्फ एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स को बुलाया गया, क्लास ऑफ मेंबर्स को बुलाया गया, इसको हम बोलते हैं क्लास मीटिंग। तो ये भी एक प्रकार की मीटिंग होती है। तो बेसिकली ये दो मीटिंग तो होती है, जनरल मीटिंग, इसके अलावा क्लास मीटिंग्स भी होती है, पर ये रेगुलर नहीं होती, ये कुछ स्पेसिफिक केसेस में होगी। जैसे समझो आप कोई पर्टिकुलर क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स के राइट्स वेरी कर रहे हैं, तो ऐसे केसेस में आपको मीटिंग बुलाना पड़ता है उस पर्टिकुलर क्लास की। याद होगा आपको सेक्शन नंबर 48, भले ही सेक्शन याद नहीं होगा बट मैंने आपको बताया था कि कुछ लोग अगर एग्री नहीं करते हैं तो फिर वो 21 डेज के अंदर ट्रिब्यूनल जा सकते हैं, अपील कर सकते हैं कि ये राइट्स बदले ना जाएं। तो आपको याद होगा ये हमने पढ़ा था सेक्शन नंबर 48। तो वो क्लास मीटिंग भी होती है। उसके अलावा और कौन सी मीटिंग हो सकती है, डिबेंचर होल्डर्स की या इवन क्रेडिटर्स की। क्रेडिटर्स में भी दो प्रकार की मीटिंग हो सकती है। क्रेडिटर्स हमारे जो कंपनी से पैसा लेना चाहते हैं, जिनको हम पैसा देने के लिए जिम्मेदार हैं, तो क्रेडिटर्स की मीटिंग भी होती है। क्रेडिटर्स की मीटिंग हमेशा नहीं होती, कब होती है, बहुत ही बड़े जब डिसीजन लेने होते हैं, बहुत ही ज्यादा बड़े, जैसे कि कंपनी को वाइंड अप करना, बंद करना, लिक्विडेट करना, ये डिसीजन के लिए इनकी भी मीटिंग ली जाती है। या फिर डिबेंचर होल्डर्स के राइट्स चेंज कर रहे हैं तो क्लास मीटिंग टाइप उनकी मीटिंग होगी। या फिर कंपनी अगर पूरा का पूरा स्टेट छोड़ के दूसरे स्टेट में जा रही है तो क्रेडिटर्स से पूछा जाएगा। रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल होगा, बहुत बड़ा डिसीजन, तो ऐसे केसेस में क्रेडिटर्स की मीटिंग होती है, ठीक है। और ये भी कैसी हो सकती है, या तो डिबेंचर होल्डर्स की मीटिंग हो सकती है, या फिर अदर क्रेडिटर्स की भी हो सकती है, ठीक है। तो ऐसा है, तो आज मैंने थोड़ा स्क्रीन दूसरी यूज किया हूं क्योंकि मुझे आज ज्यादा जगह लगती है, तो ज्यादा जगह के हिसाब से मैंने स्क्रीन आपके लिए आज बनाया हूं। तो आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा ज्यादा बड़ी जगह में रहेगा, तो अभी तो फिलहाल बेसिकली हमने सिर्फ शुरुआत ही किया है, लेकिन अभी हम देखेंगे जो कंपनी मीटिंग का चैप्टर है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आपके एग्जाम के लिए। जैसे चार्जेस में मैंने आपको बताया हूँ कि चार्जेस एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर रहेगा आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि उसमें अमेंडमेंट्स हैं। तो जो मैंने आपको कल की क्लास में बताया, उसमें आपने देखा होगा कि टाइम लिमिट्स जो है वो टाइम लिमिट्स के ऊपर अमेंडमेंट है, 2019 में किए गए थे वैसे वो अमेंडमेंट, बट उसके बाद प्रॉपर एग्जाम नहीं हो पाई, कभी हुई तो कभी उसमें से पॉइंट हटा लिया गया, ये वाला चार्जेस का पॉइंट हटा दिया था, सेक्शंस हटा दिए थे। अभी आपको पूरे सेक्शंस अप्लाई हो रहे हैं, तो अभी वो चार्जेस का जो चैप्टर है वो इम्पोर्टेंट है। साथ में यहाँ पे हम जो पढ़ रहे हैं मीटिंग्स, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब आगे जो भी पढ़ेंगे हम, ये सभी इम्पोर्टेंट है। तो मीटिंग्स वाला चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है, फिर डिविडेंड वाला चैप्टर पढ़ेंगे, अकाउंट्स ऑफ द कंपनी पढ़ेंगे, एंड ऑडिट एंड ऑडिटर्स पढ़ेंगे। वहां पे अकाउंट्स ऑफ द कंपनी में पूरी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ चीजें हम छोड़ सकते हैं, वहां कुछ चीजें सी कैटेगरी की भी हैं, बट
ये चैप्टर में ज्यादातर ए और बी कैटेगरी की चीजें देखने को मिलेंगी आपको। वैसे ही अगले चैप्टर में डिविडेंड वाले में आपको पूरी चीजें पढ़ना है बहुत अच्छे से, और उसके अलावा जब ऑडिटर वाला चैप्टर पढ़ेंगे उसमें भी आपको सब चीजें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि ऑडिटर जो है वो हमसे डील कर रहा है, तो हमारे से रिलेटेड है वो पर्टिकुलर टॉपिक है। तो इसमें इवन आपको मैं बोलूंगा कि आप इसमें पेनल्टीज भी ध्यान रखें, तो पेनल्टीज याद रखने को भी मैं जनरली नहीं बोलता हूं, बट यहां पे मैं आपको बोलूंगा कि आपको पेनल्टीज भी ध्यान रखना है, ठीक है। सो ऐसा है, एक सेकेंड, हाँ, तो ये बेसिक कुछ पॉइंट्स है कंपनी मीटिंग से रिलेटेड जो आप लिख सकते हैं। इसके बाद अब हम देखेंगे मीटिंग की जरूरत क्यों पड़ती है। जैसे कि अब हम जो भी पढ़ने वाले हैं, अब अपन अपनी पूरी चर्चा को सीमित करेंगे जनरल मीटिंग के ऊपर। आपको इस साल जो पढ़ना है ना, आपको इस साल सिर्फ जनरल मीटिंग के बारे में ही पढ़ना है। आपको इस साल डायरेक्टर्स की मीटिंग, बोर्ड मीटिंग के बारे में नहीं पढ़ना है। डायरेक्टर्स के बारे में जो भी है ये पूरा फाइनल लेवल पे है, तो आपको डायरेक्टर्स के बारे में भी नहीं पढ़ना है। डायरेक्टर कौन हो सकता है, कैसे अपॉइंट किए जाते हैं, ये भी नहीं पढ़ना है, कौन अपॉइंट नहीं किया जा सकता, और उसके अलावा इनकी मीटिंग कैसे होती है, कितने लोग आना चाहिए, इसके बारे में भी आपको ज्यादा डिटेल्स नहीं है। थोड़ी बहुत बेसिक पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा, वो चीजें आपको बस ध्यान रखना पड़ेगा। क्रेडिटर्स मीटिंग भी इस साल नहीं है, क्योंकि ये बहुत स्पेसिफिक इवेंट में होती है, जैसे कि वाइंडिंग अप वगैरह, और वाइंडिंग अप का जो टॉपिक है वो भी आपको अगले साल है, तो वो भी आपके कोर्स में इस साल नहीं है। तो अब हम जो बेसिक चर्चा रखेंगे, तो कंपनी मीटिंग्स जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उसमें अब हम सिर्फ जनरल मीटिंग की बातें करना चालू करेंगे। तो कंपनी मीटिंग्स में हमारे कोर्स में जितनी चीज है वो है जनरल मीटिंग। ठीक है, तो जनरल मीटिंग के ऊपर अब हम चर्चा करेंगे। तो जनरल मीटिंग मीन्स जो आम बैठक है, जो कि मेंबर्स की होती है, दो प्रकार से, एजीएम और ईजीएम। अब एजीएम क्यों होती है? एजीएम इसीलिए होती है क्योंकि मैं साल भर जाके ये नहीं पूछ सकता कंपनी से कि बताओ भाई कितना प्रॉफिट कमाए। भले ही मैं मेंबर हूं, मैंने पैसा लगाया हूं, मैं ये नहीं बोल सकता कि बताओ कितना प्रॉफिट है, कितने बैलेंस शीट में रिजर्व्स क्रिएट हुए हैं। ये सब चीजें मैं एक दिन पूछ सकता हूं, एक दिन, सिर्फ एक दिन दिया जाता है मुझे कि आ जाओ और जो सवाल पूछना है पूछ डालो। तो वो एक दिन जो होता है वो होता है एजीएम का। साल भर कंपनी को चलाने वाले कौन लोग होते हैं? तो साल भर कंपनी को चलाते हैं डायरेक्टर्स। तो साल भर में जो भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं ये मैं साल भर नहीं देखूंगा, ये साल खत्म होने के बाद। जैसे कि समझो आपका ईयर चालू है 21-22, तो ये जो 21-22 है इसकी एजीएम कब होगी? 21-22 में नहीं होगी, तो 2021-22 में नहीं होगी। तो आपका 1-4-2021 से 31-3-2022 तक के साल खत्म होगा। इसके बाद मीटिंग होती है, इसके बाद बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह देखे जाएंगे, पूरे बनाए जाएंगे, फिर मैं पूछ सकता हूं एक दिन जब एजीएम होगी। कब होगी वो भी हम देखेंगे, सेक्शन नंबर 96 इसके ऊपर बताता है कि कब मीटिंग होगी। ठीक है, हम यहाँ पे सेक्शन 88 से लेके आगे 122 तक के पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो चैप्टर हम पढ़ेंगे कंपनी मीटिंग्स, एक्चुअली ये पूरा बड़ा चैप्टर है। आप अगर बुक में देखेंगे तो इस चैप्टर का नाम आपको दिखेगा, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, और उसमें हम अभी पहला यूनिट पढ़ रहे हैं कंपनी मीटिंग्स। ठीक है, फिर बाद में हम इसमें रजिस्टर्स वगैरह के बारे में भी पढ़ेंगे, जहां पे सेक्शन नंबर 88 से रिलेटेड हम कुछ बातें करने वाले हैं। हाँ, कुछ क्वेश्चन है, एक बार मैं देख लेता हूं। हाँ, एजीएम कितनी लंबी चलती है? तो कुछ नहीं, एक दिन की रहती है, तो लोग आते हैं, नाश्ता पानी करते हैं, और क्या क्या हुआ पूछ लेते हैं, कितने प्रॉफिट्स कमाए वगैरह पूछ लेते हैं, खाना वाना खाते हैं, खाना वगैरह नहीं रहता, नाश्ता रहता है, तो ज्यादातर लोग तो नाश्ता करने जाते हैं, और इसमें बांटा जाता है डिविडेंड। तो देखो साल खत्म हो रहा है, हम क्या क्या चीज करेंगे? साल भर हमने कुछ नहीं पूछा आपसे, साल खत्म होने के बाद हमको अधिकार होता है, हम पूछेंगे कि भाई अकाउंट्स बताओ हमको। हम यहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स देख सकते हैं, जो भी अकाउंट्स थे अकाउंट्स को अडॉप्ट करेंगे हम, कि हाँ अकाउंट सही है, हम देखेंगे उसको अडॉप्ट करेंगे, तो अडॉप्शन ऑफ अकाउंट्स होता है।
इसके अलावा हमको अकाउंट्स तो देख लिया, प्रॉफिट कितना है, रिजर्व्स कितने क्रिएट हुए, क्या चेंजेस हुए हमारे फाइनेंशियल पोजीशन में, ये हमने देखा, लेकिन हमको क्या मिला? तो हमको हमारा भी स्वार्थ देखना है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे फिर देखते हैं डिविडेंड। डिविडेंड बांटने का जो काम होता है वो एजीएम में होता है, तो जो फाइनल डिविडेंड दिया जाता है वो फाइनल डिविडेंड बांटा जाता है एजीएम में, एनुअल जनरल मीटिंग, ठीक है। फिर तीसरी चीज, हम डायरेक्टर्स ने जैसा काम किया है उस हिसाब से ये सोचेंगे कि डायरेक्टर्स कौन होना चाहिए, किसको अपॉइंट करना, क्या उनको रीअपॉइंट कर सकते या नहीं कर सकते। तो ये सब वैसे आप अगले साल पढ़ोगे कि डायरेक्टर्स कैसे अपॉइंट होते हैं, बट डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट रीअपॉइंटमेंट भी एजीएम में होता है, कि जिन लोगों ने काम किया डायरेक्टर्स वगैरह, इनका अपॉइंटमेंट यहीं पे होगा, अपॉइंट द डायरेक्टर्स। और साथ ही साथ इसमें होता है हमारा अपॉइंटमेंट, ऑडिटर का अपॉइंटमेंट, तो ऑडिटर का अपॉइंटमेंट भी एनुअल जनरल मीटिंग में होता है, तो अपॉइंट द ऑडिटर। ये जो चार चीजें हैं ना, ये चार चीजें एजीएम में होगी, ठीक है। ये चार चीजें आपको दिखती हैं जनरली, कभी हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं दिखे, जैसे कि आपने डिविडेंड नहीं बांटा इस साल तो डिविडेंड का पॉइंट नहीं दिखेगा, तो हो सकता है, ठीक है। बट बेसिकली ये चार चीजें एनुअल जनरल मीटिंग में होती हैं, ठीक है। तो ये चार चीजें तो होती ही जाए, और क्या होता है ये देखेंगे अपन, ठीक है। तो एजीएम होती है और एजीएम में ये सब बातें होती हैं, पिछले साल से रिलेटेड अकाउंट्स देखे जाते हैं, डिविडेंड बांटा जाता है, डायरेक्टर्स को रीअपॉइंट करते हैं, और वैसे ही ऑडिटर को भी अपॉइंट या रीअपॉइंटमेंट उसका किया जाता है। तो ऑडिटर्स को कैसे क्या अपॉइंट या रीअपॉइंट करते हैं वो हम इसमें देखने वाले हैं, इस साल आपके कोर्स में वो है, ठीक है। तो आगे जो आखिरी चैप्टर रहेगा हमारा कंपनीज एक्ट का, उसमें हम ऑडिटर के अपॉइंटमेंट रीअपॉइंटमेंट के ऊपर ही चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो ऐसा है, अब चालू करते हैं हम मीटिंग के बारे में। जब भी मैं बात कर रहा हूं कंपनी मीटिंग्स की, तो मैंने जैसा कि आपको बताया हम जनरल मीटिंग के ऊपर चर्चा चालू करेंगे, वैसे जो भी मीटिंग होती है कंपनी की, वो कोई भी मीटिंग हो, एक मीटिंग को प्रॉपर होने के लिए, वैलिड होने के लिए तीन चीजों की आवश्यकता होती है, ध्यान रखो। एक मीटिंग को वैलिड होने के लिए, प्रॉपर होने के लिए तीन चीजें लगती है। पहली चीज, मीटिंग शुड बी प्रॉपरली कन्वीन्ड। तो तीन चीजें रहेगी, मीटिंग शुड बी प्रॉपरली कन्वीन्ड, ठीक है। तो प्रॉपरली कन्वीन्ड होना चाहिए, मीन्स प्रॉपर बुलावा भेजा गया, लोगों को बताया गया मीटिंग है, तो प्रॉपरली कन्वे होना चाहिए चीजें, तो इट शुड बी प्रॉपरली कन्वीन्ड। तो बराबर कन्वे होना चाहिए कि इस तारीख को आपको आना है। तो कैसे कन्वे होगी, कौन करेगा, ये सब चीजें हम देखेंगे, ठीक है। कोई भी मीटिंग में तीन चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, अगर ये तीन चीजें होंगी तभी हम बोलेंगे मीटिंग प्रॉपर थी। पहली चीज है इट शुड बी प्रॉपरली कन्वीन्ड, दूसरा इट शुड बी प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूटेड, मैं ये भी ऊपर ही लिख देता हूं ताकि जगह कम ना पड़े। तो इट शुड बी प्रॉपरली कन्वीन्ड, प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूटेड एंड प्रॉपरली कंडक्टेड। अब ये क्या है, तीनों चीजें देखते हैं। तो पहले तो लोगों को बताना पड़ेगा मीटिंग है, लोग आएंगे, फिर आए हैं तो प्रॉपर मीटिंग कॉन्स्टिट्यूट भी होना चाहिए, कितने लोग आए ये सब देखा जाएगा, कौन मेन व्यक्ति है उसमें, चेयरमैन होता है तो ये सब चीजें देखी जाएगी, फिर प्रॉपरली कंडक्ट भी होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा है, अब एक एक करके हम ये तीनों चीजें समझेंगे। प्रॉपरली कन्वीन्ड का क्या मतलब है, प्रॉपरली कन्वीन्ड का मतलब है कि इट शुड बी बाय प्रॉपर अथॉरिटी, प्रॉपर अथॉरिटी होना चाहिए, प्रॉपर अथॉरिटी मींस क्या, तो कौन मीटिंग बुला सकता है, ऐसे कोई भी मीटिंग बुला सकता है क्या, मैं एक क्रेडिटर हूं कंपनी का, मैं बोलूंगा हाँ चलो मीटिंग बुलाओ, सब मेंबर्स को बुलाओ, तो क्या आएंगे क्या, या मैं एक मेंबर हूं, समझो सिंपल एक मेंबर हूं मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज का, मैं बोल रहा हूं मुकेश अंबानी को चलो मीटिंग बुलाओ,
तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? तो नहीं, तो आई एम नॉट द प्रॉपर अथॉरिटी। ठीक है, तो प्रॉपर अथॉरिटी कौन है? क्या सिर्फ मुकेश अंबानी बोलेगा तो मीटिंग बुला सकते हैं क्या? तो देखते हैं, तो प्रॉपर अथॉरिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो जिसको अधिकार दिया गया है मीटिंग बुला सकते हैं, वो व्यक्ति ही बुला सकता है। तो ये कौन होता है ये हम देखेंगे। तो प्रॉपर अथॉरिटी, देन दूसरी चीज प्रॉपर नोटिस। नोटिस होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए, प्रॉपर नोटिस पहुंचना चाहिए सबको कि हाँ मीटिंग है, कब है, कहाँ है, ये सब चीज भी तो पता होना चाहिए। तो एक नोटिस होता है, नोटिस भेजा जाता है जिसमें लिखा होता है कि मीटिंग कब होने वाली है, कहाँ होने वाली है। तो सेक्शन 101 इससे डील करता है। तो हम देखेंगे यहाँ पे कि कौन कौन से प्रकार से मीटिंग का नोटिस भेजा जा सकता है, फिर किस किस को भेजना पड़ता है, ये सब चीजें हम देखेंगे। देन प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूटेड में क्या क्या चीजें हैं। अगेन जब हम बात करते हैं कि इट शुड बी प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूटेड, तो यहां पे फिर से दो चीजें होना चाहिए। पहली चीज, जो मीटिंग है इसमें एक प्रॉपर चेयरमैन होना चाहिए। तो एक प्रॉपर चेयरमैन का इसमें होना जरूरी होता है। तो चेयरमैन कौन होता है ये हम देखेंगे। ठीक है, फिर प्रॉपर कोरम होना चाहिए। अब कोरम यानी क्या होता है? कोरम का मतलब होता है कि मिनिमम कितने लोगों की संख्या आपको चाहिए कोई डिसीजन लेने के लिए। आप सोच के देखो, आप अगर कोई मीटिंग बुला रहे हैं, जैसे समझो मैंने आपको बोला कि चलो भाई अपन गोवा जाएंगे, तो मैंने आप सबको बोला चलो गोवा जाते हैं। गोवा जाने के लिए मैंने सबको बोला कि आपको डिसाइड करना है, तो आप लोग को मीटिंग करना है, कैसे जाएंगे, कहां पे रुकेंगे, ये सब आप खुद डिसाइड करो। अब आपको अगर ये डिसाइड करना है तो कैसे करोगे? पहले तो एक व्यक्ति इसकी जिम्मेदारी लेगा, कोई भी एक मेन व्यक्ति रहेगा, वो बोलेगा हाँ मैं देखता हूँ कैसे क्या करना है। तो कोई भी हो सकता है, या तो मैं खुद हो सकता हूँ, मैंने बोल दिया कि चलो सबसे पहले मेरे को बताओगे आप, जो भी चीज होगी फाइनल डिसीजन मेरा होगा। तो मैं कौन हो गया? मैं हो गया चेयरमैन। ठीक है, तो गोवा जाने की अपन तैयारी कर रहे हैं, मैं चेयरमैन हूं, मैं क्या करूंगा? पहले तो जो भी कुछ लोगों को, चार लोगों, पांच लोगों को मैं बोलूंगा चलो सबको बता दो अपन यहां जाने वाले, गोवा जाने वाले। अब गोवा जाने के लिए सबको इन्फॉर्म किया गया, सबको नोटिस भेजा जाएगा कि देखो हम गोवा जाने वाले। लेकिन क्या ऐसे ही गोवा पहुंच जाते क्या? आप खुद सोच के देखो, प्लानिंग करना पड़ेगा। प्लानिंग तो कई लोग करते हैं बट पहुंचते बहुत कम लोग हैं। तो आपने देखा होगा कि गोवा की प्लानिंग होती है और फेल हो जाती, ऐसा है, इम्पॉसिबल है बोलते हैं प्लान बनाना। तो नहीं, हाँ प्रेरणा का बोलना है, आप अकेले आओगे हमारे साथ या ऐसे ही घूम के, यानी मैं किसी के साथ आऊंगा क्या, ऐसा पूछ रही हो, यानी समझ रहे हैं आप, मैं अकेला आऊंगा या भाभी जी को साथ लाओगे, ऐसा बोल रही हो। खैर ठीक है, तो खैर हाँ, तो ये वैसे मैं बहुत बार जाके आया, मेरा देखो मेरी कितनी अच्छी कहानी है ना, मेरा जो पहला ऑडिट था ना, पहला ऑडिट मेरा गोवा में था। कितना सही, बहुत सही। पहला ऑडिट जो होता है जब आर्टिकलशिप में जाते हैं आप, आर्टिकलशिप में गया मैं, आर्टिकलशिप में बैंक ऑडिट होते हैं, यही पीरियड होता है बैंक ऑडिट का। तो ये पीरियड में अप्रैल का जो पीरियड होता है इसमें बैंक ऑडिट्स होते हैं। तो मेरा पहला बैंक ऑडिट था गोवा में, वहाँ के तीन बैंक थे, मस्त घूम के आया था मैं। और उसके बाद फिर तीन चार बार गोवा जाके आ गया, ऐसा है, कोई कोई लोग किस्मत वाले होते हैं, होता है ऐसा। खैर ठीक है, तो हाँ, तो अपन गोवा जाने का अगर प्लान बना रहे हैं तो देखो तीन लोग चार लोग बोलेंगे ठीक है सर मैं देख लेता हूँ, मैं सबको बुला लूंगा, सबको इन्फॉर्म कर दूंगा। अब सोचो ये तीन चार लोगों ने सबको इन्फॉर्म किए कि गोवा जाना है, तो अपने को पहले संडे को मिलना है, तो संडे को अपन ये प्रिमाइसिस पे आएंगे। तो आपको पहली चीज तो बताना पड़ेगा कि कहाँ पे आना है। तो आप जिन लोगों को भी गोवा ले जाना चाहते हैं, तो चार लोग पहले डिसाइड करेंगे कि अपन पहले मिलते हैं, और मिलके फिर अपन पूरी प्लानिंग करेंगे। तो मिलने के लिए आप नोटिस भेजोगे, जानकारी दोगे। तो जानकारी कैसे देंगे हम? तो जितने भी लोग आने के इच्छुक हैं, जो भी आपकी क्लास के लोग हैं, उन लोगों को आप नोटिस भेजोगे और बोलोगे कहाँ आना है, कहाँ आना है ये भी बताना पड़ेगा। तो एक पर्टिकुलर जगह डिसाइड करेंगे, जैसे कैप्स का प्रीमाइसेस डिसाइड किया समझो, तो वहां पे आएंगे आप। फिर आप वक्त बताएंगे, वक्त भी तो जरूरी है, ऐसा नहीं होना चाहिए कोई सुबह आ रहा कोई शाम को आ रहा, कितने बजे आना है ये बताना पड़ेगा। डेट बताना पड़ेगा, डेट डे कौन से दिन आना है, तो दिन बताना पड़ेगा। तो दिन हो गया, प्लेस हो गया,
टाइम हो गया, तो ये चीजें आप बता रहे हैं। इसके अलावा क्या डिसाइड करने वाले ये भी बताया जाता है, तो क्या डिसाइड करना है ये भी बताया जाएगा। तो ये सब चीजों के लिए आप नोटिस भेजते हो पहले। अब नोटिस भेजने के बाद समझो लोग आए, सबसे पहले तो मेरा आना जरूरी है। अगर मैं मेन व्यक्ति हूं कि मैं सब डिसाइड करूंगा, फाइनल डिसीजन मेरा होगा, तो मेरा आना जरूरी है। मैं हो गया चेयरमैन, मैं मुख्य आदमी हो गया इस पर्टिकुलर मीटिंग का। अब आपको समझो यहां पे कोई चीज लेना है, कोई डिसीजन लेना है, तो ये डिसीजन लेने के लिए क्या चार लोग आए सिर्फ, तो चार लोग ही मीटिंग करके डिसाइड कर पाएंगे क्या? तो नहीं, पॉसिबल नहीं है, थोड़े ज्यादा लोग चाहिए। 100 लोगों के लिए आप डिसीजन ले रहे हैं, सिर्फ 2 जन डिसाइड कर रहे हैं ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तो सही नहीं है। तो मिनिमम कुछ लोगों को आना जरूरी है। जैसे हमने डिसाइड कर लिया कि कम से कम 15 लोग आएंगे तब हम डिसीजन लेंगे, तो ये जो होता है इसको हम बोलते हैं कोरम। कोरम का मतलब है मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू कंडक्ट अ मीटिंग। इसके बिना आप मीटिंग चालू ही नहीं कर सकते। तो जो भी मिनिमम रिक्वायर्ड नंबर होगा तो इसको हम बोलेंगे कोरम। वो क्या होता है वो हम देखेंगे, प्राइवेट कंपनी में कितने लोग आना चाहिए, पब्लिक कंपनी में कितने लोग आना चाहिए, तो ये कोरम कहलाता है। तो कोरम के बारे में और चर्चा हम करेंगे, एक एक करके हम बढ़ेंगे, ये बहुत बड़ा चैप्टर है, तो हम लोग एक एक करके थोड़ा थोड़ा करके देखेंगे, ठीक है? तो ऐसा है, तो कोरम क्या होता है, मीन्स मिनिमम कितने लोगों की हमको आवश्यकता है मीटिंग चालू करने के लिए। तो पहली चीज, प्रॉपर कन्वे होना चाहिए लोगों को। दूसरी चीज, प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूट होना चाहिए, लोगों ने आना भी तो चाहिए, नहीं तो डिसाइड कैसे करेंगे। तो कितने लोग आना चाहिए, कौन मेन व्यक्ति है, ये चीजें देखी जाती है। उसके बाद ही हम डिसीजंस ले सकते हैं, मीटिंग चालू कर सकते हैं। और मीटिंग चालू होने के बाद प्रॉपरली इसको कंडक्ट करना पड़ता है। अब प्रॉपरली कंडक्ट करना इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है इट शुड बी एज पर कंपनीज एक्ट, एज पर कंपनीज एक्ट होना चाहिए, एज पर रूल्स होना चाहिए, रूल्स के हिसाब से होना चाहिए, फिर एज पर AOA होना चाहिए, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, और इसके अलावा कोई स्टैंडर्ड्स वगैरह अगर हैं, जैसे कि अपन ICAI की बात करते हैं, तो ICAI ने स्टैंडर्ड्स बनाए हैं, आपको पता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, तो ये आपको पता है। वैसे ही CS वालों ने सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स बनाए हैं, वो भी आपको फॉलो करना पड़ता है, SS1 और SS2 करके सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स हैं, तो वो भी आपको फॉलो करना पड़ता है। और फाइनली जब मीटिंग एकदम परफेक्ट वे में कंप्लीट हो जाती है, तो आखिर में बनते हैं मिनट्स। मिनट्स क्या है, मिनट्स मींस समरी होती है, जो जो चीज हुई मीटिंग में ये सब चीज इसमें लिखी होती है, कि क्या हुआ, कितने लोग आए थे, क्या बोला गया, क्या डिसीजन लिया गया। तो रेजोल्यूशंस पास करे गए, तो वो रेजोल्यूशंस में क्या डिसाइड किया गया। रेजोल्यूशंस का क्या मतलब है, अगर आप हिंदी में देखें तो रेजोल्यूशन का मतलब है संकल्प लेना, जो कभी पूरे नहीं होते। तो आपने लिया होगा ना, न्यू ईयर रेजोल्यूशन लिया होगा आपने, इस साल तो मैं शुरुआत से पढ़ाई करूंगा। तो ऐसे मजाक नहीं करना चाहिए, बट हाँ किया होगा आपने ऐसा कुछ। तो रेजोल्यूशंस लेते हैं हम, संकल्प करते हैं कि नहीं इस साल मैं पढ़ाई करूंगा, इस साल मैं मस्ती नहीं करूंगा, तो ये तो कोई नहीं करता, बट हाँ पढ़ाई करेंगे ये जरूर करते हैं। तो ये तो अपन हमेशा करते ना, जैसे फाउंडेशन से इंटर में आए थे तब भी हमने सोचा था इस बार तो मैं बराबर एक एक दिन रोज का रोज पढ़ाई करूंगा। कितने लोग टिके हैं उस रेजोल्यूशन पे आप खुद सोच के देखो, मुश्किल से 10 लोग, सिर्फ 10 लोग ऐसे हैं जो रेगुलर पढ़ते हैं, तो सिर्फ 10 लोग। आप खुद सोचो, अपने दिल पे हाथ रख के आप पूछ के देखो कि क्या मैं रोज रेगुलर पढ़ाई कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है तो क्या मैं बैकलॉग कवर कर रहा हूँ। नहीं, ये धोखा है, तो हम खुद को धोखा दे रहे हैं। खैर छोड़ो, मैं ज्यादा डीप में नहीं जाता। हाँ तो देखो बहुत सारे कमेंट भी आ गए, तो ऐसा है तो एक्सक्यूज होगा, बोले नहीं एक्सक्यूज नहीं था, एक्चुअल में मेरे को गोवा जाना था, ऐसा मैं झूठ बोल के नहीं गया। धीरज का बोलना है कि सर ऑडिट तो बस एक्सक्यूज रहा होगा गोवा जाने के लिए, नहीं। तो ऑडिट पे एक्चुअल गया था, तो अच्छा ऑडिट था, बैंक ऑडिट था। कैटरीना दीपिका को भी लेके आ जाना सर, अरे छोड़ो क्या करना है, गोवा में गोल क्लियर होगा सर। हाँ चलो देखते हैं गोवा बाद में देखते हैं। तो एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल्स का वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता, कोई गोवा वगैरह हम नहीं जा रहे हैं फिलहाल, तो
ये सिर्फ एग्जाम्पल्स है ताकि आपको कंटेंट कंसेप्ट पूरा समझ में आए। अब प्रॉपर अथॉरिटी यानी कौन, जब आप कंपनी की अब बात कर रहे हैं, वापस आ जाते हैं हम गोवा से, अब हम कंपनी की अगर बात कर रहे हैं तो कंपनी के इसमें प्रॉपर अथॉरिटी कौन है ये देखेंगे। तो अपनी मीटिंग कहां से चालू होती है, प्रॉपरली कन्वे होने से, और खत्म कहां होती है, मिनट्स बनने पे। मिनट्स का आपने ड्राफ्टिंग किए होंगे, आप फाउंडेशन से हैं तो लगभग सब लोग, कुछ लोग डायरेक्ट एंट्री वाले होंगे बट बाकी के सब लोग फाउंडेशन से हैं, तो आप लोगों ने ड्राफ्टिंग किए होंगे। दोनों चीज की ड्राफ्टिंग की आपने, नोटिस की ड्राफ्टिंग की है और मिनट्स की ड्राफ्टिंग किए किए थे। बिजनेस रिपोर्टिंग वाले कंसेप्ट में हेड में आपने देखा होगा दोनों की ड्राफ्टिंग रहती है, ठीक है। तो नोटिस की ड्राफ्टिंग किया होगा आपने, समझ में नहीं आता लिखना कैसे तो देखो सिंपल तरीका होता है, खैर अब मैं पढ़ाता नहीं, पहले मैं पढ़ाता था नोटिस वगैरह कैसे ड्राफ्ट होते हैं, मिनट्स कैसे ड्राफ्ट होते हैं। तो सबसे पहले मिनट्स या नोटिस, कोई भी चीज जो चालू होती है ना, इसमें दिक्कत सबसे बड़ी ये आती है कि उसको स्टार्ट कैसे करें, चालू कैसे करें। ध्यान रखना, नोटिस जब चालू होगा, नोटिस वर्ड से चालू होता है, हेडिंग की बात नहीं कर रहा, हेडिंग तो होगी नोटिस उसके बाद नोटिस इज हियर बाय गिवन दैट द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ दिस दिस कंपनी, तो वही नोटिस है तो नोटिस वर्ड से चालू होता है, मिनट्स है तो मिनट्स वर्ड से चालू होता है। मिनट्स ऑफ द प्रोसीडिंग्स ऑफ द जनरल मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग हेल्ड ऑन, तो मिनट्स जो होगा वो पास्ट टेंस में होगा और नोटिस जो होता है फ्यूचर का रहता है, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स होते हैं ऐसे ध्यान रखने के, डेट्स वगैरह ध्यान रखना पड़ता है कि कितनी डेट का गैप होना चाहिए। तो फिलहाल ये आपके लिए अभी काम का नहीं है, पहले ये इंटरमीडिएट के लेवल पे हुआ करता था, अब ये फाउंडेशन में जा चुका है। जो आपने कैसा तो भी करके पास हो गए, कुछ लोगों ने बहुत अच्छा करके और कुछ लोगों ने बस कर लिया, तो ऐसे भी होते हैं। तो कुछ लोगों ने एक्चुअल में बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा रिजल्ट लाया। तो हाँ, तो आपने वहां पे नोटिस और मिनट्स दोनों की ड्राफ्टिंग देखे थे, तो एक्चुअल में वो अब हम पढ़ने वाले हैं कि ये क्या होते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर अथॉरिटी कौन है, सबसे पहली बात प्रॉपर अथॉरिटी है, हाँ तो प्रॉपर अथॉरिटी है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ध्यान रखो मैं वर्ड्स क्या बोल रहा हूं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। प्रॉपर अथॉरिटी कौन है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मैं डायरेक्टर वर्ड नहीं बोल रहा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो क्या मुकेश अंबानी बोले कि एजीएम बुलाई जाए, तो क्या वो अकेला बुला सकता है अगर बाकी के डायरेक्टर्स मना कर रहे हैं तो भी, तो नहीं बुला सकता। मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं बुला सकता, सीईओ नहीं बुला सकता, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होना चाहिए, यानी बोर्ड मीटिंग होगी। याद करो आपको मैंने चीख चीख के बताया था, चीख चीख के बताया था, जब जब जनरल मीटिंग होगी, जब जब जनरल मीटिंग होगी, जो जो होगी, भले एजीएम हो भले ईजीएम हो, जब जब जनरल मीटिंग होगी, पहले एक मीटिंग होती है जिसमें डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं कब मीटिंग बुलाना है, कहाँ मीटिंग बुलाना है, फिर क्या क्या हमको करना है उसमें, तो ये सब डिसीजंस लिए जाते हैं। तो प्रॉपर अथॉरिटी होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्वेश्चन आ सकता है आपको, ऐसा पूछा जाएगा कि एक कंपनी है, उसके मैनेजिंग डायरेक्टर चाहते हैं कि वो मीटिंग बुलाए, उन्होंने नोटिस बनाया और सबको नोटिस भेज दिया कि मीटिंग इस तारीख को होने वाली है, क्या ये वैलिड होगा? द आंसर इज नो। मैनेजिंग डायरेक्टर हैज नो अथॉरिटी टू कन्वीन अ जनरल मीटिंग, तो वो नहीं बुला सकते। कौन बुला सकते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। तो बोर्ड मींस कलेक्टिवली, उन लोग सब मिलके बुला सकते हैं, ठीक है। तो सब लोग मिलके डिसीजन लेंगे, वो भी सिंपल मेजोरिटी से होगा, बट अकेला मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं बुला सकता, ये चीज ध्यान रखो, ठीक है। तो पहली अथॉरिटी है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कुछ केसेस में ईजीएम जब खास तौर पे बुलाना है, कुछ केसेस में ये बुलाया जा सकता है बाय मेंबर्स, मेंबर्स बोलो या इवन शेयर होल्डर्स बोलो, कुछ केसेस में, नॉट ऑलवेज, बहुत कम केसेस में तो मेंबर्स बुला सकते हैं। ये होती है ईजीएम, ईजीएम बुलाने के पावर्स हैं इनको, सेक्शन नंबर 100 में हम देखेंगे, सेक्शंस याद हो जाएंगे, अगेन पूरे सेक्शंस आपको याद हो जाएंगे, ठीक है, और लाइन से। तो यहाँ पे फिर से अब मैं सेक्शंस आपको पूरे लाइन से बताऊंगा, जैसे बीच में बोला था मैंने सब याद मत करो, कुछ गिनती के वो याद रखो, तो वो गिनती के आपको याद रखने बोला था, वो बीच का जो टॉपिक है वो थोड़ा उतना इम्पोर्टेंट है भी नहीं, उसमें आपको बेसिकली अकाउंट्स में क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, तो इसके बीच के जो टॉपिक्स थे वो पूरे अकाउंट्स से रिलेटेड है, ठीक है। तो आपने देखा होगा शेयर कैपिटल है, फर्दर इशू वगैरह हो रहा है, रिडम्पशन हो रहा है, ये सब चीजें अकाउंट्स में ज्यादा रिलेवेंट है। यहाँ पे
कुछ चीजें काम की हैं, बट अकाउंट्स में बहुत ज्यादा इसका रिलेवेंस आता है। बट अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो यहीं पे काम का है, ठीक है, यहाँ बहुत काम का है और साथ साथ में ऑडिट में काम आएगा। ये आगे के जो भी चैप्टर्स हम पढ़ रहे हैं ये कहीं ना कहीं ऑडिट में भी आपको काम आएंगे, ठीक है। ऑडिट एंड ऑडिटर्स तो वो वैसा का वैसा आने वाला है उधर काम, उधर आप एक कंपनी ऑडिट करके टॉपिक पढ़ेंगे, बिल्कुल वैसा का वैसा ऑडिट वाला चैप्टर वहां पे आने वाला है। वैसे ही डिविडेंड वगैरह के बारे में आप वहां पे देखेंगे, ठीक है। सो एक जगह पढ़ के आपको दो जगह इनका बेनिफिट मिलता है, तो ऐसा है। तो दूसरी अथॉरिटी है मेंबर्स, कुछ केसेस में मेंबर्स बुला सकते, अकेला मेंबर नहीं बुला सकता, उसकी कुछ क्राइटेरिया है कि कितने लोग कम से कम होना चाहिए, तो वो हम देखेंगे। तो 1/10 ऑफ द वोटिंग पावर वगैरह ऐसे कुछ क्राइटेरियाज है, वो हम देखेंगे आगे कि कितने लोग होना चाहिए, ठीक है। तो सेक्शन नंबर 100 में वो हम देखेंगे, ठीक है। फिर कुछ केसेस में एनसीएलटी ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल भी कुछ केसेस में मीटिंग बुला सकता है, जब ट्रिब्यूनल को लग रहा है कि कुछ गड़बड़ कर रहे हैं डायरेक्टर्स, जब बॉटल नेक आ चुका है, यानी मीटिंग बुलाई नहीं जा सक रही क्योंकि डायरेक्टर्स का झगड़ा चल रहा है, तो ऐसे केसेस में ट्रिब्यूनल ऑल्सो हैज द पावर टू कन्वीन अ जनरल मीटिंग, ठीक है, वो भी बुला सकता है, ऐसा है। हाँ, फिर प्रॉपर नोटिस, प्रॉपर नोटिस में क्या होना चाहिए, अब हम आ रहे हैं इंपॉर्टेंट चीजों पे। अब तक हम जो पढ़ रहे थे ये भी इंपॉर्टेंट है, बट छोटे मोटे क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब हम प्रॉपर नोटिस के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, प्रॉपर नोटिस के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं। सो लेट्स सी। हाँ, कोरम के लिए थोड़ी जगह छोड़ देंगे हम। प्रॉपर चेयरमैन में कुछ नहीं आने वाला ज्यादा, चेयरमैन में कुछ नहीं आएगा, कोरम में भी थोड़ी सी चीजें आएंगी, वो इतनी जगह में आपके हो जाएगी, ठीक है। कोरम के लिए इतनी जगह, 5 लाइन आपने छोड़ दिया तो दैट विल बी सफिशिएंट। अब हम नोटिस के बारे में चर्चा कर रहे हैं, नोटिस में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। देखो, इनमें से एक भी चीज नहीं होगी ना तो मीटिंग बकवास हो गई, कुछ मतलब ही नहीं बचा उस मीटिंग का। अगर आप मीटिंग ले भी लोगे, डिसीजन ले भी लोगे, तो वो इनवैलिड हो जाएगा। अगर ये चीजें नहीं होती, प्रॉपरली कन्वे नहीं हुआ, जैसे समझो जो डायरेक्टर्स है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उन्होंने नहीं बुलाया, मैनेजिंग डायरेक्टर ने बुलाया था, मीटिंग हो भी गई, पूरे डिसीजन भी हो गए, तो भी ये सब वॉइड है, पूरा जो जो भी किया सब वॉइड है, कोई डिसीजन वैलिड नहीं है क्योंकि प्रॉपर अथॉरिटी नहीं थी। अगर आपने मीटिंग बुलाया, प्रॉपर अथॉरिटी थी लेकिन कोरम नहीं था उसमें, बाकी सब कर लिया, मीटिंग बुला लिए, डिसीजन ले लिए, तो इनवैलिड, कोई मतलब नहीं रहा इस मीटिंग का, भले आपने बुला लिया, सब डिसीजन पास कर लिए, सब डिसीजंस वॉइड। प्रॉपरली कंडक्ट नहीं किया तो वॉइड, सब चीजें होगी तभी जाके वैलिड होगी। तो ये एक एक चीज, हर एक चीज इसमें होना चाहिए, तभी एक एक मीटिंग पूरी वैलिड होगी। तो अब हम नोटिस के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, प्रॉपर नोटिस का क्या मतलब है। तो प्रॉपर नोटिस में सबसे पहले हम देखते हैं प्रॉपर कंटेंट्स होना चाहिए नोटिस के। कंटेंट्स, तो कंटेंट्स में क्या क्या चीजें रहेगी, क्या क्या चीजें होना चाहिए आप खुद ही बता सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था नोटिस में क्या क्या लिखा होना चाहिए। जब आप किसी को नोटिस भेजोगे कि आपको मीटिंग में आना है, तो भाई बताना पड़ेगा पहले तो, कहाँ आना है, कौन से दिन आना है, फिर टाइम बताया जाएगा कितने बजे आना है और किस चीज के लिए आना है, कि भाई आना तो है, क्यों आना है, क्या काम करना है हमको। तो एक एजेंडा होता है, इसको हम एजेंडा बोलते हैं। तो चार खास चीजें इसमें होती है। पहली चीज है, इट शुड बी एट अ प्रॉपर प्लेस। तो कंटेंट्स में पहली चीज होना चाहिए, एक प्लेस होना चाहिए इसमें। अब ये जो प्लेस है, ये प्लेस क्या होती है, तो ये प्लेस जनरली होती है जो रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी है, आरओ, रजिस्टर्ड ऑफिस, ठीक है। तो रजिस्टर्ड ऑफिस में जनरली होती है, पर सोच के देखो, क्या रजिस्टर्ड ऑफिस इतना बड़ा होगा हमारा कि वहां इतने सारे लोग आ जाएं। समझो एक बड़ी मीटिंग हो रही है रिलायंस इंडस्ट्रीज की, ठीक है, उनकी बहुत बड़ी जगह है, बहुत बड़ा रजिस्टर्ड ऑफिस है, लेकिन अगर इतने लोग नहीं आए, 1 लाख शेयर होल्डर्स है, 1 लाख लोग आ सके, क्या ये पॉसिबल है? तो नहीं, हमेशा नहीं होता। हो सकता है रिलायंस के पास जगह होगी, लेकिन दूसरी कंपनीज,
तो छोटा सा रजिस्टर्ड ऑफिस है हमारा, वहां इतने सारे मेंबर्स को कैसे बुलाएंगे हम? तो इसीलिए बोल दिया है या तो रजिस्टर्ड ऑफिस और एनी अदर प्लेस। इन सच टाउन सिटी और विलेज। तो टाउन सिटी या विलेज, वो जगह जहां आप रजिस्टर्ड ऑफिस जहां आपका है वहां पे ही कोई और जगह पे आप ले सकते हैं, उसी उसी सिटी में होना चाहिए लेकिन। ठीक है, जैसे अगर मुंबई में मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस है तो मेरी मीटिंग मुंबई में ही होना चाहिए। मुंबई में मैं एक सभागृह ले लूंगा, एक कोई हॉल ले सकता हूँ, वेडिंग हॉल, एक होटल के बड़े से एक रूम को बुक कर लिया हमने, तो होटल एक पूरा उसका समझो हमने हॉल बुक कर लिया, तो वहां पे मीटिंग हो सकती है। सो आइदर रजिस्टर्ड ऑफिस और एट एनी अदर प्लेस इन सच टाउन सिटी और विलेज, ये पहली चीज। तो कंटेंट में एक एक करके मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान रखो, साथ साथ में आप भी ये सब लिखते जाओ बनाते जाओ। तो एक एक करके हम देख रहे हैं। सेकेंड चीज है, पहली चीज कंटेंट, ठीक है, मैं यहां पे साथ में लिख देता हूं तो आपको समझ जाएगा दूसरी क्या क्या चीजें। दूसरी चीज है पर्सन एंटाइटल्ड, इसको एक काम करते हैं, मैं कोरम को थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूं आपके पास, अगर आपका डायग्राम थोड़ा भसक जाए, भसक जाना है ना, बिगड़ जाना बिगड़ जाए तो आप फिर से एक बार घर पे बना लेना, उससे आपकी प्रैक्टिस ही होगी। ठीक है, तो प्रॉपर कोरम, क्योंकि मुझे जगह थोड़ी कम लग रही है। ठीक है, तो चार पांच लाइन में इतना हो जाएगा और फिर मैं इसको खींच लेता हूं। हाँ, तो कंटेंट होगी पहली चीज। दूसरी चीज हम देखेंगे पर्सन्स एंटाइटल्ड टू नोटिस, किस किस को नोटिस भेजना पड़ता है ये देखेंगे हम। फिर लेंथ ऑफ नोटिस, और आखिरी हम देखेंगे सर्विस ऑफ नोटिस। ठीक है, तो ये सब नोटिस से रिलेटेड चीजें हैं, पर्सन्स एंटाइटल्ड टू नोटिस। तो नोटिस में फिर चार चीजें आपको ध्यान रखना पड़ता है। पहली चीज पे अभी हम चर्चा कर रहे हैं कंटेंट्स, इसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए। दूसरी चीज पर्सन्स एंटाइटल्ड टू नोटिस, किस किस को नोटिस भेजना पड़ेगा। तीसरी चीज लेंथ ऑफ नोटिस, अब लेंथ ऑफ नोटिस का क्या मतलब है ये हम देखेंगे। एंड चौथी चीज सर्विस ऑफ नोटिस। ठीक है, ये जो डायग्राम है ना ये आपका पूरा कवर कर देगा हर चीज। अगर आपका डायग्राम थोड़ा भसक जाता है, बिगड़ जाता है, आड़ा टेढ़ा हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप घर पे फिर से एक बार इसका डायग्राम बना लेंगे, साथ साथ में आपका कंसेप्ट भी फिर से रिवाइज हो जाएगा। तो पहली चीज है प्लेस। प्लेस क्या होना चाहिए? आरओ, आरओ मीन्स जिसमें पानी साफ होता है, नहीं रजिस्टर्ड ऑफिस। तो अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो पूरा लिखो। ठीक है, तो रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी, पहली चीज प्लेस। दूसरी चीज क्या है? तो कंटेंट्स में दूसरी चीज रहेगी डे और डेट। डे और डेट से रिलेटेड भी चीजें बताई गई है। डे कौन सा होना चाहिए? क्या हम मीटिंग छुट्टी के दिन ले सकते हैं? चलो भाई छुट्टी आई, गुड फ्राइडे है आज, चलो आज मीटिंग ले लेते, चलो आज संडे है आज मीटिंग ले लेते, तो क्या हम छुट्टी के दिन मीटिंग ले लेंगे? तो नहीं, छुट्टी के दिन हम मीटिंग नहीं ले सकते। यहां हम क्या करने आए हैं? क्या हम यहाँ चकल्लस करने आए हैं, सिर्फ नाश्ता करने आए, सिर्फ अपने डिविडेंड के लिए आए? तो आपके मन में लग रहा होगा हाँ सर तो हम तो सिर्फ डिविडेंड लेने जाते हैं। तो हाँ, भले ज्यादातर लोग डिविडेंड लेने जाते हैं, हमको डिविडेंड मिलेगा, अब तो जाना भी नहीं पड़ता, आपके अकाउंट में आ जाता है। बट मेन एम क्या है? बिजनेस करना। ये कुछ बिजनेस के ट्रांजेक्शन है, आप बिजनेस करने जा रहे हैं, इसको हम बिजनेस बोलते हैं, जो हम काम कर रहे हैं इसमें उसको हम बिजनेस बोलते हैं। तो इसीलिए आप छुट्टी के दिन ये काम नहीं करेंगे,
ये वर्किंग डे में होना चाहिए, इट शुड नॉट बी अ नेशनल हॉलीडे। ठीक है, तो नेशनल हॉलीडे नहीं होना चाहिए, सो इट शुड नॉट बी अ नेशनल हॉलीडे। थोड़ा जगह मैं कंची मारता हूं, नेशनल हॉलीडे नहीं होना चाहिए। हाँ तो देखो, संस्कार का बोलना है, एग्जाम्पल्स को वास्तविकता में तब्दील कर दीजिए। और कंचन बोलती है, सर हमको तो छुट्टी के दिन भी छुट्टी ही नहीं मिलती। तो ठीक है, सीए लोगों की कोई छुट्टी नहीं होती, तो सीए लोग दूसरों की छुट्टी करते हैं, ऐसा है। तो ठीक है, हाँ तो सेकेंड पॉइंट ये हो गया, डे और डेट, इट शुड नॉट बी अ नेशनल हॉलीडे। फिर थर्ड पॉइंट, टाइम होना चाहिए। अब जैसा कि मैंने बताया, हम यहां बिजनेस कर रहे हैं, तो टाइम क्या होना चाहिए? तो टाइम ऑफिशियल आवर्स होना चाहिए, यूजुअल आवर्स ऑफ बिजनेस होना चाहिए, बिजनेस आवर्स। ठीक है, बिजनेस आवर्स क्या है वो भी डिफाइन किया है। ठीक है, तो वो डेफिनेशन अपन बाद में देखेंगे, क्या डिफाइन किया है कि किस टाइम में होना चाहिए। ठीक है, मैं कुछ जनरल पॉइंट्स बता रहा हूं, आगे मैं आपको बताऊंगा एजीएम ईजीएम में थोड़े से कहीं कहीं रूल्स बदलते हैं। ठीक है, ये एकदम बेसिक पॉइंट्स है, सो आपको ये ध्यान रखना है। तो थोड़े से रूल्स आगे चल के कहीं कहीं बदलेंगे, बट ये एकदम जनरल पॉइंट्स है। और फोर्थ चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एजेंडा। एजेंडा का क्या मतलब है? एजेंडे का मतलब होता है व्हाट इज द पर्पस ऑफ द मीटिंग। मीटिंग की क्या मेन आवश्यकता थी, क्यों बुलाई गई है मीटिंग? तो हम मीटिंग में आने के बाद नहीं बताते कि क्यों बुलाया था हमने। आप जब भी किसी को मीटिंग में बुलाएंगे तो सोच के देखो, अगर आपने उनको पर्पस नहीं बताया तो लोग आएंगे ही नहीं। आप पर्पस बताते हैं पहले कि हमको गोवा जाना है, फिर लोग और आएंगे एक्साइटेड होके, अरे गोवा गोवा गोवा, तो गोवा बोल के आएंगे लोग। तो आपको बताना पड़ता है कि क्या करने वाले हो आप, क्यों बुलाई गई है मीटिंग। ये बाद में नहीं बताते, आप जब नोटिस भेजते हैं ना तभी लिख के दे देते हैं कि हम क्यों बुला रहे हैं, देखो हम ये सब काम करने वाले हैं। तो आप पहले ही बता देते हैं कि हम ये बिजनेसेस करेंगे। अब एजेंडा दो होते हैं, दो प्रकार से आप इन एजेंडा को डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है ऑर्डिनरी बिजनेस, ध्यान रखो मैं ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन बात नहीं कर रहा, ऑर्डिनरी बिजनेस वर्ड यूज कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया बिजनेस करने आते हैं हम यहां, हम यहां पे कुछ काम की बातें करने आते हैं, जिसमें हम पहली चीज ऑर्डिनरी बिजनेस करते हैं और दूसरी चीज होते हैं कुछ स्पेशल बिजनेस। ठीक है, तो ऑर्डिनरी बिजनेस क्या है और स्पेशल बिजनेस क्या है, ये अब हम देखेंगे। अब यहां से हम ये पूरी जगह ले लेंगे नीचे की। ठीक है, तो ऊपर की जगह बाकी की चीजें कवर हो जाएगी और नीचे की जगह में अपन ऑर्डिनरी बिजनेस स्पेशल बिजनेस ये सब समझेंगे। हाँ। तो कुणाल का बोलना है कि गोवा क्यों जाना है ये भी बता दिए तो जरूरत से ज्यादा लोग आ जाएंगे। तो हाँ लोग आते हैं, ठीक है जाओ दिया, तो बहुत सारे लोग गोवा जाते हैं और मस्ती करते ही नहीं, बस जाते हैं बैठते हैं, थोड़ा इधर उधर घूमे, बीचेस घूमे और आ गए, फैमिली के साथ जाते लोग गोवा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है दोस्तों के साथ जाना चाहिए। तो हर जगह जाने की अलग अलग ये होती है, इस पे एक जोक है, थोड़ा अटपटा है तो जाने दो, छोड़ो नहीं बताता अभी, फिर कभी देखेंगे। तो हाँ ऑर्डिनरी बिजनेस, ऑर्डिनरी बिजनेस क्या होते हैं? ऑर्डिनरी बिजनेस यानी जो एजीएम में होते हैं जनरली, जो ऑर्डिनरी चीजें आम चीजें हैं, कि ये तो होता ही चाहिए, एजीएम है ना तो ये हो गई, तो ऑर्डिनरी बिजनेस आपको एजीएम में दिखेंगे। ठीक है, तो ऑर्डिनरी बिजनेस कहां दिखेंगे? एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग। और स्पेशल बिजनेस दोनों जगह दिख सकते हैं आपको, ये एजीएम में भी दिख सकता है आपको और ईजीएम में भी दिख सकता है, लेकिन ऑर्डिनरी बिजनेस एजीएम में दिखते हैं आपको, एनुअल जनरल मीटिंग में। कौन सी चार चीज करते हैं हम एजीएम में? ये चार ही चीज है। कौन सी चार चीज? ऊपर जो मैंने बताया था आपको, अकाउंट्स को अडॉप्ट करते हैं,
अडॉप्शन ऑफ अकाउंट्स, डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है, तो डिविडेंड रिकमेंड करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलते हैं हम इतना डिविडेंड देना चाहते हैं, और ये पूछा जाता है मेंबर्स से क्या हम इतना डिविडेंड बांटें, और लोग बोलते हैं हाँ। ये ऐसा रेजोल्यूशन है जो सब लोग हाँ बोलते हैं, डिविडेंड मिल रहा है, पैसा आ रहा है, तो सभी लोग हाँ बोलते हैं, तो ऐसा है। तो ये दूसरी चीज। तीसरी चीज अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, एंड चौथी चीज अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स। ठीक है, तो ऑर्डिनरी बिजनेस में चार चीजें कौन कौन सी होती हैं देखते हैं। पहली चीज है अडॉप्शन ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स को अडॉप्ट किया जाता है। ठीक है, दूसरी चीज है डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड बांटा जाता है इसमें, डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है। ठीक है, सो डिविडेंड कितना दिया जाना है वो इसमें डिसाइड किया जाता है। तो इसमें मेन वैसे डायरेक्टर्स पहले से डिसाइड कर लेते हैं इतना डिविडेंड बांटेंगे, इनसे पूछा जाता है फाइनल कंसेंट, फाइनल डिविडेंड यहां दिया जाता है। फिर तीसरी चीज अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, और चौथी चीज अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स। एक्चुअली जो चौथा रेजोल्यूशन है थोड़ा डीप है, अपन शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं इसीलिए यहां इतना ही लिख रहे हैं हम, लेकिन यहां टोटल ऐसा रहता है कि अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स एंड टू फिक्स देयर रेम्यूनरेशन, उनका रेम्यूनरेशन भी इसमें फिक्स किया जा सकता है। जनरली वो करते नहीं, वो बोल देते डायरेक्टर्स को आप डिसाइड कर लेना कितना रेम्यूनरेशन देना है। ठीक है, बट टोटल जब रेजोल्यूशन हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे सेक्शन नंबर 102, ये पूरे सेक्शंस जो है एक एक करके हम देखने वाले हैं। अभी ये ट्रेलर है, अभी जो मैं बता रहा हूँ ना ये पूरा एक बेसिक आइडिया बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो पूरा रोड मैप है हम क्या क्या देखने वाले हैं। तो ये चार चीजें होती हैं। अब ये चार चीजें अकाउंट्स वगैरह सही है या नहीं है, मेरे को समझो अकाउंट्स पे कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई सवाल पूछना है, तो क्या ये पॉसिबल है कि मैं वहां जाके पूरा पढ़ूंगा पहले अकाउंट्स, फिर बोलूंगा हाँ भाई ये वाला आइटम बताओ ये क्या है, ये कैसे आया बताओ, इतना खर्चा काई को, तो क्या मैं वहां जाके पूरा पढ़ूंगा फिर मैं बताऊंगा? तो नहीं, मैं ये पहले से पढ़ के जाता हूं। तो पहले से कैसे पढ़ता हूं मैं, तो मुझे ना पहले ये भेज देते हैं डिटेल्स, क्या क्या चीजें भेजते हैं, नोटिस के साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स लगे होते हैं। तो देखते हैं हम कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाना पड़ता है। डॉक्यूमेंट्स अकंपनी अ नोटिस, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अकंपनी करना पड़ता है, लगाना पड़ता है। पहला चीज अकाउंट्स से रिलेटेड बात हो रही, अकाउंट्स तो लगाए जाएंगे, अकाउंट्स अडॉप्ट करना है तो सही है नहीं है मैं घर से ही देख के आऊंगा, वहां जाके नहीं देखूंगा मैं। तो ये साथ में अकाउंट्स लगे होते हैं, इनसे रिलेटेड बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो होते हैं, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट साथ में लगे होते हैं। ठीक है, दूसरी चीज डायरेक्टर्स से रिलेटेड डायरेक्टर्स रिपोर्ट लगी होती है। ऑडिटर्स से रिलेटेड ऑडिटर्स रिपोर्ट लगी होती है। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट साथ में लगे होते हैं। इनके अलावा और कुछ छोटे मोटे डॉक्यूमेंट भी लगे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल प्रॉक्सी फॉर्म। प्रॉक्सी फॉर्म क्या होता है, नाम सुना होगा आपने प्रॉक्सी, कॉलेज गए हैं आप, आपकी उम्र में शायद आपको मौका नहीं मिला होगा, पर कॉलेज जो लोग गए हैं, जिन लोग बीकॉम करके आए वो लोग गए होंगे कॉलेज, या जो साइंस के तरफ से आए वो लोग तो गए होंगे क्योंकि उनको जाना पड़ता है, तो 11th 12th में गए होंगे आप लोग कॉलेज, अगर कॉलेज में होंगे तो, नहीं तो स्कूल में भी जाते हैं कुछ लोग। तो कॉलेज में क्या होता है, जैसे मैं कॉलेज में था, मैं था SFS कॉलेज में, तो सेमिनरी हिल्स पे एक कॉलेज है SFS, वहां पे मैं साइंस पढ़ता था। तो वहां पे क्या होता था, हम लोग रेगुलर जाते नहीं थे क्लासेस में, एक दोस्त जाता था, उसको बोलते थे भाई प्रॉक्सी लगा देना, प्रॉक्सी। तो प्रॉक्सी यानी क्या होता है, प्रॉक्सी मीन्स जब अटेंडेंस होती है वहां पे वो मेरे नाम पे प्रेजेंट टीचर ऐसा बोल देता था, ये हो गया प्रॉक्सी। तो प्रॉक्सी मीन्स मैं नहीं गया, मेरे जगह दूसरा कोई बोल रहा है।
तो ये प्रॉक्सी भी जा सकते हैं कभी कभी। तो ये प्रॉक्सी कौन होते हैं, कैसे होते हैं, इनको अपॉइंट करना पड़ता है। तो जब मैं अगर मेरे बिहाफ पे किसी और व्यक्ति को भेजूंगा तो मेरे को उसको एक प्रॉक्सी फॉर्म भर के देना पड़ता है, तो वो इसके साथ में भेज दिया जाता है। ठीक है, तो नोटिस के साथ में प्रॉक्सी फॉर्म होता है, अटेंडेंस स्लिप होती है, नॉमिनेशन फॉर्म होते हैं, तो ऐसे बहुत सारी चीजें और भी जुड़ी होती हैं, वो आपको फिलहाल ध्यान रखने की जरूरत नहीं, हम पढ़ेंगे आगे तो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ऐसा है। तो आप ऑर्डिनरी ये चार चीजें करते हैं ऑर्डिनरी बिजनेस करके एजीएम में, एनुअल जनरल मीटिंग में। ठीक है, तो एनुअल जनरल मीटिंग में ये चार चीजें होती है, चार बातें होती है, और इनके अलावा जितने भी चीजें हैं ये सब स्पेशल बिजनेस है। मैं ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन नहीं बोल रहा हूं, मैं ऑर्डिनरी बिजनेस बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो। तो ऑर्डिनरी बिजनेस मीन्स ये चार चीजें, और इन चार चीजों को छोड़ के जितनी भी चीजें होती है ये सब होती है स्पेशल बिजनेस। ठीक है, तो स्पेशल बिजनेस को डिफाइन करना बहुत आसान है, अदर देन ऑर्डिनरी बिजनेस। तो ऑर्डिनरी के अलावा जितने हैं वो सब स्पेशल हैं। ठीक है, सो अदर देन ऑर्डिनरी बिजनेस। तो ये चार चीजें ऑर्डिनरी होती हैं, ये चार चीजें एजीएम में होती है, और इसके अलावा कुछ है। फॉर एग्जाम्पल, आपको नाम बदलना है कंपनी का, मीटिंग बुलाना पड़ा था वहां पे आपको, तो वो मीटिंग क्या एजीएम होगी या ईजीएम होगी, क्या लगता है आपको? जब आपको मीटिंग बुलाना है नाम बदलने के लिए, एड्रेस बदलने के लिए, तो क्या एजीएम बुलाना पड़ेगा या ईजीएम बुलाना पड़ेगा? याद करो, फिर से याद करो, कंपनी कन्वर्ट हो रही है, क्या बुलाना पड़ेगा? मैंने आपको बोल के बताया था ये एजीएम भी हो सकती है और ईजीएम भी हो सकती है, याद करो, कंपनी कन्वर्जन हो रहा है, मैंने बोला था स्पेसिफिकली। तो जनरल मीटिंग होगी, इट कैन बी एजीएम और ईजीएम, दोनों हो सकती है, कोई भी हो सकती है, एजीएम भी बुला सकती है, ईजीएम भी। फिर आपको लग रहा होगा, सर अभी तो आपने बोला कि ये चार चीजें एजीएम में होगी, तो हाँ ये चार चीजें हमेशा एजीएम में ही होगी, लेकिन इसके अलावा कोई चीज भी आप एजीएम में ले सकते हैं। तो यहां लिखा ही हूं मैंने, एजीएम में भी हो सकता है स्पेशल बिजनेस और ईजीएम में भी हो सकता है। तो आपको नाम बदलना है, सोच के देखो प्रैक्टिकल, आपका एजीएम होने वाली थी, यहां एजीएम होने वाली थी, आपने यहां डिसाइड किया नाम बदलेंगे, तो आपकी एजीएम होगी, फिर से ईजीएम बुलाएंगे क्या अपन? तो नहीं, एजीएम में ये चार चीज होने वाली थी, आप नाम भी बदल डालो उसी में, कोई दिक्कत नहीं है, तो अलग से ईजीएम नहीं बुलाएंगे हम। हाँ, लेकिन एजीएम अब भी जस्ट हुई और फिर हमने डिसाइड किया यार नाम बदलते हैं, 2 महीना हुआ था एजीएम होके, तो अब फिर से एजीएम नहीं हो सकती, एजीएम साल में एक ही बार होगी, इसीलिए उसको हम बोलते हैं एनुअल जनरल मीटिंग, एक ही बार होगी साल में, और इसीलिए फिर ईजीएम बुलाओगे आप। अगर एजीएम अभी होके गई है, अब नहीं होने वाली है, तो फिर आपको अगर कोई डिसीजन पास करना है स्पेशल बिजनेस, तो फिर आप ईजीएम बुलाओगे। तो स्पेशल बिजनेस दोनों में हो सकते हैं, ऑर्डिनरी बिजनेस सिर्फ एजीएम में होंगे, ये चार चीजें सिर्फ एजीएम में होंगी। ठीक है, और स्पेशल बिजनेस ये कहीं भी हो सकते हैं, एजीएम और ईजीएम दोनों में, अदर देन ऑर्डिनरी, जैसे नाम बदलना है। अब क्या ऑर्डिनरी बिजनेस को हमेशा ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन लगेगा और स्पेशल बिजनेस को हमेशा स्पेशल रेजोल्यूशन लगेगा? तो नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं है, ये टोटली डिफरेंट कंसेप्ट है, स्पेशल बिजनेस अलग चीज है, स्पेशल रेजोल्यूशन अलग चीज है। जैसे कि आप अगर बोनस शेयर्स इश्यू करना चाहते हैं, तो आपको वहां कौन सा रेजोल्यूशन लगता है? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। पर वो बिजनेस कौन सा है? स्पेशल बिजनेस है, ये चार चीजों में थोड़ी आ रहा है वो, तो स्पेशल बिजनेस है। ठीक है, तो स्पेशल बिजनेस है तो जरूरी नहीं स्पेशल रेजोल्यूशन लगे, तो स्पेशल बिजनेस जो है वो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से भी पास होते हैं, तो वो डिपेंड करेगा कि कौन से नेचर का वो रेजोल्यूशन आप पास करवा रहे हैं। ठीक है, तो स्पेशल बिजनेस का मतलब होता है कि ये चार चीजें छोड़ के जो भी आप करोगे वो फिर आप एजीएम में भी कर सकते हैं या ईजीएम में भी कर सकते हैं। मेरे पास कुछ नोटिसेस हैं, मैं आपको नोटिसेस भी बताऊंगा। अब जब भी एजीएम हो रही है तो एजीएम में तो ये चार चीज तो हो जाएगी। अब उसमें भी मैंने आपको बताया जरूरी नहीं, जैसे डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड नहीं कर रहे हम, नहीं किया इस बार कोई डिविडेंड नहीं बांटा, तो डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड नहीं होगा। ठीक है, फिर जो अदर देन ऑर्डिनरी बिजनेस है,
इनको पूरा समझाया जाता है। तो डॉक्यूमेंट्स टू बी अकम्पेन्ड बाय अ नोटिस, इसमें अगर ऑर्डिनरी बिजनेस है तो इनसे रिलेटेड अकाउंट्स हो गए, डायरेक्टर्स से रिलेटेड उनकी रिपोर्ट हो गई, ऑडिटर्स से रिलेटेड उनकी रिपोर्ट हो गई, और ये जो स्पेशल चीज है ये तो आपको बताना पड़ेगा ना कि हम क्या करने वाले हैं, तो ये कैसे बताएंगे हम? तो इसके साथ में हमेशा होता है एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट लगाया जाता है जब जब कोई स्पेशल चीज हो रही है। ये चार चीज तो लोगों को पता है, अच्छा ये होते रहता है, लेकिन उसके अलावा कुछ हो रहा, नाम बदल रहे, तो साथ में एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट लगाया जाता है जिसमें एक्सप्लेन किया जाएगा कि हम नाम क्यों बदल रहे, नाम रिजर्व करने को डाल दिया है तो वो बताया जाएगा। तो ये पूरी चीजें उसमें डिटेल में बताई गई रहेगी, पूरा डिटेल में समझाया जाता है वो, ठीक है। जैसे स्टेट बदल के जा रहे हैं तो क्यों बदल रहे, उसका पूरा रीजन बताया जाएगा कि जैसे हमको समझो रॉ मटेरियल दूसरे स्टेट में ज्यादा आसानी से मिल जाएगा, वहां पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ज्यादा रहेगा, तो इसीलिए हम स्टेट बदल के जा रहे हैं। तो ये सब चीजें उसमें क्लैरिफाई की जाती है, समझाई जाती है, ठीक है। सो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट होता है। ये वर्ड कहीं तो भी आए हैं, आपको याद आ रहा होगा बायबैक में मैंने बताया था एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में ये चीजें लिखी होती है। तो बायबैक में सिर्फ ये बताया था रीजन फॉर बायबैक, द अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड इन बायबैक, कितना रुपया लगने वाला है हमको। तो ये बायबैक में मैंने एग्जांपल दिया था, बट ये हमेशा होता है जब जब स्पेशल बिजनेस होगा, अदर देन ऑर्डिनरी चीज होगी, तो आपको वो पूरा एक्सप्लेन करना पड़ता है कि ये हम क्यों कर रहे हैं। इसमें पूरी चीज बताई जाती है, ऑल द मटेरियल फैक्ट्स। क्या क्या चीजें होती है इसमें? मटेरियल फैक्ट्स, मटेरियल फैक्ट्स डिस्क्लोज किए जाते हैं। फिर अगर किसी डायरेक्टर का इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट ऑफ डायरेक्टर डिस्क्लोज किया जाता है। जैसे समझो मेरी कंपनी की कोई मीटिंग हो रही है, मैं अपनी प्रॉपर्टी कंपनी को बेच रहा हूं, तो मुझे यह बताना पड़ेगा कि यह प्रॉपर्टी मेरी है, इसमें जब पैसा मिलेगा तो मुझे मिलेगा। सो डिस्क्लोजर इज इंपॉर्टेंट। मैं बेच नहीं सकता ऐसा नहीं है, आई कैन सेल माई ओन प्रॉपर्टी टू द कंपनी, बट इट शुड बी डिस्क्लोज्ड, ठीक है। फिर मटेरियल फैक्ट्स हो गया, इंटरेस्ट ऑफ डायरेक्टर्स हो गया, और अगर कोई डॉक्यूमेंट्स है तो टाइम एंड प्लेस फॉर इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स भी है साथ में लगे हुए, जैसे कि समझो आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट देखना है, आपको देखना है जैसे समझो प्रॉस्पेक्टस इशू कर रहे हैं, तो प्रॉस्पेक्टस इशू करने के टाइम आपको देखना था जो राइट इशू हो रहा है या जो भी फर्दर इशू हो रहा है, तो उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, तो आपको कोई पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट देखना है, या कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो वो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट देखना है आपको कि ये प्रॉपर्टी कहाँ सिचुएटेड है, कितनी बड़ी प्रॉपर्टी है, ये सब आपको जानना है। तो आपको एक टाइम बता दिया जाएगा कि ये टाइम यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आके आप देख सकते हैं, ठीक है। हाँ, जैसे अंडरराइटिंग कमीशन, तो अंडरराइटिंग का आपको एग्रीमेंट देखना है, अंडरराइटिंग के एग्रीमेंट के लिए टाइम एंड प्लेस बता दिया जाएगा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा है, एक्सपर्ट की रिपोर्ट पढ़ना है आपको तो उसके लिए टाइम एंड प्लेस बता दिया जाएगा। तो ऐसा है, तो ये एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में ये चीजें होती है, ठीक है। फिर ये पूरा अपन देखेंगे, अभी मैं सिर्फ आपको बेसिक चर्चा करके बता रहा हूं। तो ये हो गई बातें कंटेंट्स से रिलेटेड। इसके अलावा मैंने और बताया आपको, प्रॉक्सी फॉर्म होता है, अटेंडेंस स्लिप होती है, फिर नोट्स टू द नोटिस होते हैं, नोट्स लिखे होते हैं इसके नीचे। आपने जब ड्राफ्टिंग किया तो आपने लिखा होगा नोट्स टू द नोटिस, डिविडेंड इफ डिक्लेयर्ड इट विल बी पेड विद इन 30 डेज, 30 दिन के अंदर पे कर देंगे। प्रॉक्सी फॉर्म अटैच किया गया है तो जो प्रॉक्सी के थ्रू आ रहा है वो प्रॉक्सी फॉर्म इशू कर सकता है, तो ये सब नोट्स में लिखे होते हैं, ठीक है। वो भी हम देखेंगे क्या क्या चीजें नोट्स में लिखी होती है, ठीक है। तो ऐसा है। फिर पर्सन्स एंटाइटल्ड टू नोटिस, कौन कौन व्यक्ति एंटाइटल्ड है नोटिस के लिए, किस किस व्यक्ति को नोटिस भेजना कंपलसरी है, सिंपल सा पॉइंट है। किसको भेजा जाएगा? टू द मेंबर, अगर वो अलाइव है, जीवित है, तो उसको भेजा जाएगा।
अगर वो घचक चुका है, घचक चुका है, डेथ हो चुकी है, तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को भेजा जाएगा। तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव इन केस ही इज डिसीज्ड। फिर अगर इंसॉल्वेंट हो गया है तो ऑफिशियल रिसीवर इंसॉल्वेंसी के केस में, फिर डायरेक्टर्स को भेजा जाता है, जो डायरेक्टर्स हैं उनको बुलाया जाता है, फिर ऑडिटर को भेजा जाता है। देखो इन लोग को तो अपॉइंट रीअपॉइंट कर रहे हैं ना, तो पिछले जो ऑडिटर है, पिछले जो डायरेक्टर्स हैं उन लोग को बुलाया जाएगा, ठीक है? तो ऑडिटर को भी बुलाया जाता है, ऑडिटर भी अटेंड करता है एनुअल जनरल मीटिंग, जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ द कंपनी होता है, हम ये आगे और देखेंगे। तो ऑडिटर आता है, इसके अलावा और भी कुछ लोगों को बोला गया है, अदर्स। अदर्स में कौन कौन हो जाएंगे? मिसलिनियस, जैसे कि डिबेंचर ट्रस्टी, डिबेंचर ट्रस्टी को भेजते हैं हम, जैसे कि स्टॉक एक्सचेंजेस को देते हैं हम। स्टॉक एक्सचेंज होगा, बीएससी, एनएससी, उनको दिया जाता है। फिर कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, और ऐसे ही और लोगों को भी नोटिस भेजे जाते हैं, ठीक है? तो सेबी वगैरह हो गया, तो उनको भी बताया जाता है। तो ये सिंपल है। लेंथ ऑफ नोटिस, लेंथ मींस कितनी बड़ी नोटिस होना चाहिए, तो नहीं, लेंथ यानी वो नहीं, कितनी बड़ी नोटिस होना चाहिए वो नहीं, लेंथ का मतलब है टाइम, टाइम गैप बिटवीन दी नोटिस एंड द मीटिंग। तो मीटिंग कब है, उसके 2 दिन पहले बता दिए तो चलेगा क्या? आप सोच के देखो, कल मीटिंग है नागपुर में, आप बैठे हैं दिल्ली में, मैं बोल रहा हूं कल सुबह 11 बजे मीटिंग है, मैंने आज बताया आपको, चलेगा क्या? तो नहीं। तो इसीलिए बोला गया है कि कुछ टाइम गैप होना चाहिए। कितना? तो टाइम गैप होना चाहिए 21 क्लियर डेज। तो 21 क्लियर डेज नोटिस होना चाहिए। क्लियर डेज का क्या मतलब है? क्लियर का मतलब होता है जब बादल वगैरह नहीं छाए हुए हैं, जब पूरा अच्छा धूप खिली हुई है, सूरज उगा हुआ है, उसको हम बोलते हैं क्लियर डेज। तो नहीं वो क्लियर अलग हो गया। तो यहां पे क्लियर का क्या मतलब है? यहां क्लियर का मतलब है कि आपका टाइम गैप क्लियरली 21 डेज होना चाहिए, एक्सक्लूडिंग। अब वो दिन काउंट नहीं करोगे जिस दिन आपने नोटिस डिस्पैच किया, आप वो दिन काउंट नहीं करोगे जिस दिन नोटिस रिसीव हुआ, या जिस दिन मीटिंग है, समझ लो जिस दिन मीटिंग है, मीटिंग का दिन काउंट नहीं करोगे आप। तो मीटिंग का दिन छोड़ दो आप, वो एडिशनल मिलना चाहिए। 21 क्लियर डेज का मतलब है 21 डेज प्लस जिस दिन मीटिंग है वो आप छोड़ दिए, यानी एक दिन वो जुड़ गया। फिर जिस दिन नोटिस भेजा वो काउंट नहीं करोगे, वो आपने इग्नोर किया। और 48 आवर्स फॉर ट्रांसमिशन, यानी 2 दिन ट्रांसमिशन का, जाने आने का जो टाइम लगता है, 48 आवर्स में मान लिया जाता है नोटिस पहुंच गया। तो 21 क्लियर डेज का मतलब क्या निकल के आता है? 21 क्लियर डेज का मतलब आता है 21 डेज प्लस एक दिन जब आपने नोटिस भेजा, प्लस एक दिन जब मीटिंग है, मीटिंग वाला दिन, प्लस 48 आवर्स, 2 दिन। ये 2 दिन कौन से? ट्रांसमिशन के, ये छोड़ के 21 डेज होना चाहिए। दैट मीन्स 21, 22, 23, 24, 25, तो 25 दिन का गैप होना चाहिए। तो 25 डेज का गैप होना चाहिए, ठीक है? तो 25 डेज मीन्स ये सब पकड़ के। तो 21 क्लियर डेज का मतलब होता है 21 डेज प्लस एक दिन जिस दिन मीटिंग है, एक दिन जिस दिन नोटिस भेजा, और 2 दिन जो जाने आने को लगते हैं, तो वो, ठीक है? तो ऐसा करके 21 क्लियर डेज का नोटिस होना चाहिए, तो ऐसा बताया। अब समझो 21 डेज का नोटिस नहीं है, शॉर्टर नोटिस देना है, तो क्या ये किया जा सकता है? तो यस, कुछ एक्सेप्शनल केसेस में किया जा सकता है, जब इसको मेंबर्स एग्री कर रहे हैं, तो आप ये कर सकते हैं, ठीक है? तो
21 से शॉर्टर नोटिस भी रह सकता है, एक बार मैं देख लेता हूँ 90 है या 95 है, यहाँ चेंजेस हुए थे मेरे ख्याल से 95 है, हाँ 95। तो 95% ऑफ मेंबर्स अगर हाँ बोलते हैं तो शॉर्टर नोटिस भी वैलिड हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे लिख के रख लो, शॉर्टर नोटिस इज वैलिड इफ कंसेंटेड बाय 95% ऑफ मेंबर्स एंटाइटल टू अटेंड एंड वोट एट द मीटिंग। तो जो लोग मीटिंग में वोट करने के अधिकार रखते हैं उनमें से 95% लोग अगर हाँ बोलते हैं, ठीक है ठीक है, आप शॉर्टर नोटिस भेज दो तो चलेगा फिर, ठीक है। तो शॉर्टर नोटिस विल ऑल्सो बिकम वैलिड, ठीक है, नहीं तो 25 डेज का कम से कम नोटिस होना चाहिए। सर्विस कैसे की जाएगी, सर्व करना यानी परोसना, पहुंचाना, कैसे पहुंचाया जाएगा, तो या तो आप पोस्ट से भेज सकते हैं, सर्विस बाय पोस्ट, पोस्ट से भेज दिया, उसमें स्पीड पोस्ट आएगा, आरपीईडी आता है, उनके थ्रू भेज दिया। फिर आप कुरियर भेज सकते हैं, कुरियर भी चलता है। फिर आप इलेक्ट्रॉनिक वे में भेज सकते हैं, ई नोटिस, ई नोटिस भी दिया जा सकता है। ये कैसे होता है ये हम देखेंगे, ईमेल के थ्रू होता है तो ये भी हम देखने वाले हैं, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। वैसे ही कुछ केसेस में हैंड डिलीवरी कर सकते हैं आप, पास में ही है कोई, एंड इवन न्यूज़पेपर के थ्रू किया जा सकता है, न्यूज़पेपर के थ्रू भी आप भेज सकते हैं, यानी न्यूज़पेपर में छाप दिया, ठीक है, तो भी चलता है। हाँ, नील मनी का एक क्वेश्चन है कि सर 95% काउंट करेंगे तो 95% नंबर ऑफ मेंबर्स पे देखेंगे या शेयर्स पे देखेंगे, तो अमाउंट पे देखा जाता है, जब भी हम ऐसी कोई बात करते हैं तो अमाउंट पे देखा जाता है, वो लिखा है, स्पेसिफिकली लिखा है, बट मैंने आपको अभी समराइज करके बताया इसीलिए मैंने वो अभी उस पर चर्चा नहीं किया, अभी हम पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो 95% इन वैल्यू देखा जाता है, इन वैल्यू मीन्स जो पेड अप अमाउंट रहता है उसके हिसाब से, ठीक है। अच्छा है, डाउट आ रहा है तो सर्विस कैसे होगी, इस प्रकार से। अब एक पॉइंट इससे रिलेटेड भी बता देता हूं, पर्सन एंटाइटल टू नोटिस, समझो किसी व्यक्ति को नोटिस भेजना रह गया गलती से, तो क्या मीटिंग इनवैलिड हो जाएगी, तो इस पे बहुत सारे केसेस हुए और बताया गया एक्सीडेंटल ओमिशन से मीटिंग इज नॉट इनवैलिड, तो ये भी लिख के रख लो, मीटिंग इज नॉट इनवैलिड इफ देयर इज एन एक्सीडेंटल ओमिशन। एक्सीडेंटल ओमिशन का मतलब है गलती से छूट गया, ठीक है। हाँ, एक हर्षदा का अच्छा क्वेश्चन और आ गया, शॉर्टर नोटिस में मेंबर्स की कंसेंट कैसे लेंगे, तो देखते हैं अपन, उसमें लिखा है आइदर रिटन कंसेंट लो या फिर इलेक्ट्रॉनिक वे में भी ली जा सकती है, तो वो एक अच्छा वैलिड क्वेश्चन है, दोनों ही अच्छे क्वेश्चन आए आपके, बट वो पढ़ेंगे अपन। तो 95% वाला भी एक वैलिड क्वेश्चन है, बट अभी मैंने आपको बताया नहीं, देखेंगे अपन वो, ठीक है। तो ये बेसिकली लगभग पूरा डायग्राम कवर हो जाता है, इसमें आपका सिर्फ अभी प्रॉपर चेयरमैन के बारे में चर्चा बची है और प्रॉपर कोरम, तो इसमें आपका चैप्टर लगभग पूरा एक शॉर्ट में समराइज हो जाता है, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, जबकि हम इस पे और चीजें अभी देखने वाले हैं। अभी बेसिक वैसे नोटिस के बारे में ज्यादा चर्चा हुई, कोरम के ऊपर हम चर्चा करेंगे, चेयरमैन के ऊपर करेंगे, फिर प्रॉपरली कंडक्टेड पे उतना कुछ है नहीं, तो बेसिकली अब कोरम, चेयरमैन, इनके बारे में जो पॉइंट्स इसमें आने के हैं उतना ही बचा है इस डायग्राम में, ठीक है, बाकी डायग्राम आपका लगभग पूरा कवर हो जाता है। तो अभी थोड़ा रीड करके मैं बता देता हूं जो चीजें हमने पढ़े, तो ये एक बार आप बना लो, मैंने जानबूझ के आज रेजोल्यूशन थोड़ा वाइड रखा था, उसके अलावा थोड़ा जो वर्ड्स भी है मैंने थोड़ी बारीक पिन यूज किया हूं आज पेन में, ठीक
होता है कभी कभी, करना चाहिए। चलो सो देखते हैं, हम मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन का चैप्टर चालू करते हैं। तो देखो पहले तो यही बताया टाइप्स ऑफ कंपनी मीटिंग्स, कैसे कैसे टाइप की मीटिंग्स होती है। तो पहले मीटिंग्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो मीटिंग्स खेलती है, प्ले खेलती है, नहीं खेल नहीं रही। मीटिंग्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, क्योंकि मीटिंग होगी तभी तो हम डिसाइड करेंगे कैसे कंपनी चलाना है। इनफैक्ट हर एक इंपॉर्टेंट डिसीजन जो होते हैं वो कंपनी की मीटिंग में ही होते हैं। शेयर होल्डर्स अपनी पूरी विल एंड एक्सरसाइज देयर राइट्स इन द जनरल मीटिंग, अपनी इच्छा बताते हैं, अपने राइट्स वहां पे एक्सरसाइज कर सकते हैं, लाइक वोटिंग राइट्स मिलेगा, डिविडेंड राइट्स मिलेंगे, तो ये सब चीजें वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। व्हाइल द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक्सरसाइज देयर पावर्स एंड टेक डिसीजंस थ्रू बोर्ड मीटिंग। ठीक है, तो मेंबर्स के लिए जनरल मीटिंग और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए बोर्ड मीटिंग। कंपनी मीटिंग्स को क्लासिफाई कर सकते हैं पहले शेयर होल्डर्स मीटिंग, उसमें भी एजीएम, ईजीएम या क्लास ऑफ मेंबर्स, क्लास मीटिंग। ठीक है, डायरेक्टर्स मीटिंग, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो डायरेक्टर्स की बेसिक मीटिंग होती है, नहीं तो कभी कभी कमिटी मीटिंग्स भी होती है। कमिटी मीटिंग यानी क्या, जैसे कि समझो एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं, हमारी एक कंपनी है कैप्स लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड, इसमें हम लोग कभी कभी सब डायरेक्टर्स की मीटिंग करते हैं, बोर्ड मीटिंग। कभी कभी ऐसा होता है कि सिर्फ जो कमिटी वाले हैं, जैसे समझो जो एडवर्टाइजिंग कमिटी वाले हैं, उन लोग मीटिंग कर लेते हैं। तो ये एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, तो एडवर्टाइजिंग वालों की सिर्फ जरूरत है तो वो लोग मीटिंग करते हैं। वैसे ही जो कंपनीज होती है उनमें बहुत प्रकार की कमिटीज होती हैं, तो वो कमिटी की भी मीटिंग होती है फिर। ठीक है, तो वो कमिटी मीटिंग जो रहती है उसमें सब डायरेक्टर्स नहीं आएंगे, बट उसमें भी डायरेक्टर्स ही रहते हैं। ठीक है, तो ये भी होती है कभी कभी। ये सब आपको अगले साल है, आपको इस साल सिर्फ ये पहला पार्ट ही पढ़ना है, शेयर होल्डर्स मीटिंग, मेंबर्स मीटिंग। फिर क्रेडिटर्स मीटिंग हो सकती है जिसमें डिबेंचर होल्डर्स या इवन अदर क्रेडिटर्स की मीटिंग हो सकती है। रिक्विजिट्स ऑफ अ वैलिड मीटिंग, एक मीटिंग में परफेक्ट होने के लिए, वैलिड होने के लिए किन चीजों की आवश्यकता है। पहली चीज प्रॉपरली कन्वीन्ड होना चाहिए, दूसरी चीज प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूटेड होना चाहिए, तीसरी चीज प्रॉपरली कंडक्टेड होना चाहिए। प्रॉपरली कन्वीन्ड होना चाहिए, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है देयर शुड बी अ प्रॉपर अथॉरिटी, दैट इज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या कभी कभी शेयर होल्डर्स और कभी कभी बहुत कम ट्रिब्यूनल। एंड एडिक्वेट एंड प्रॉपर नोटिस होना चाहिए। अब एडिक्वेट एंड प्रॉपर नोटिस यानी जो मैंने आपको बताया वो चीज हम आगे पढ़ेंगे। वैसे ही प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूट होना, इसका क्या मतलब है, देयर मस्ट बी अ प्रॉपर कोरम एंड अ प्रॉपर चेयरमैन। और वैसे ही प्रॉपरली कंडक्ट होना, इसका क्या मतलब है, इट शुड बी एज पर द कंपनीज एक्ट, एज पर द आर्टिकल्स एंड अदर रूल्स वगैरह, प्रॉपर रूल्स वगैरह इनके हिसाब से होना चाहिए। और आखिर में इसकी जो प्रोसीडिंग्स है रिकॉर्ड की जाती है प्रॉपरली, और इसको हम बोलते हैं मिनट्स। तो मिनट्स एक प्रूफ होते हैं कि कंपनी की मीटिंग प्रॉपरली हो गई। तो हम देखेंगे मिनट्स भी क्या होते हैं, कैसे क्या वो बनाए जाते हैं, कौन उस पे साइन करता है, ये सब चीजें हम डिटेल में देखने वाले हैं। फिर लॉ एंड प्रैक्टिस रिलेटिंग टू मीटिंग, हमको इसमें क्या क्या पढ़ना है इस पर्टिकुलर चैप्टर में। पहली चीज हम पढ़ेंगे नोटिस, नोटिस कैसे दिया जाएगा, ये सब चीजें। फिर ऑर्डिनरी एंड स्पेशल बिजनेस, बेसिक पॉइंट्स मैंने बता चुका हूँ, कोरम क्या होता है, वोटिंग राइट्स कैसे क्या मिलती हैं, एंड राइट टू डिमांड अ पोल, तो वोटिंग करते हैं या कभी कभी पोल भी डिमांड किया जा सकता है, जैसे किसी को लग रहा है चलो पोल डांस किया जाए, पोल मंगाएंगे डांस करेंगे, नहीं वो अलग हो गया, वो पोल नहीं, पोल यानी अलग चीज होती है, देखेंगे अपन। ठीक है, प्रॉक्सीज, प्रॉक्सी क्या होती है ये भी बताया मैंने आपको। रेजोल्यूशंस कैसे कैसे पास होंगे, तो ऑर्डिनरी स्पेशल, चेयरमैन और मिनट्स, ये सब चीजें हम देखेंगे। ठीक है, आपको भी लग रहा होगा क्या सर कैसे कैसे जोक मार देते हैं आप, एकदम ही बकवास। ठीक है, होता है कभी कभी। हाँ, पहली चीज नोटिस। सो नोटिस ऑफ द मीटिंग, देखो मैंने आपको वहां पूरी चीज बता दिया, यहां पे आपको बताया है थोड़ा थोड़ा पार्ट पार्ट में। तो अ जनरल मीटिंग ऑफ अ कंपनी, कोई भी जनरल मीटिंग, एजीएम हो या ईजीएम हो, मे बी कॉल्ड बाय गिविंग नॉट लेस देन 21 क्लियर डेज, क्लियर 21 डेज नोटिस, आइदर इन राइटिंग और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड। ठीक है, राइटिंग में भी कैसे होगी, तो वो पोस्ट वगैरह के थ्रू भेजी जा सकती है। ठीक है, तो ऐसा है। फिर ये एक एक्सेप्शन है, 14 क्लियर डेज इन केस ऑफ सेक्शन 8 कंपनीज, तो सेक्शन 8 कंपनीज को 14 डेज बोला है, 14 क्लियर डेज में भी आप नोटिस भेज सकते हैं। ठीक है,
तो ये बहुत काम का नहीं है, बट ये एक एक्सेप्शन है। फिर प्रोवाइडेड अ जनरल मीटिंग में बी कॉल्ड आफ्टर गिविंग अ शॉर्टर नोटिस इफ कंसेंट इज गिवन इन राइटिंग और बाय इलेक्ट्रॉनिक मोड। तो राइटिंग में तो पॉसिबल नहीं होगा, जब हम मीटिंग की नोटिस ही नहीं दे पा रहे तो आप कंसेंट कैसे मंगा लोगे। तो राइटिंग में पॉसिबल नहीं होगा, बट इलेक्ट्रॉनिक मोड में पॉसिबल हो जाएगा। बाय नॉट लेस देन 95% मेंबर्स एंटाइटल्ड टू वोट एट सच मीटिंग। तो जो मेंबर्स को वोट करने का अधिकार है, तो क्या आप कंसेंट लेंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों से भी? तो नहीं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स से आपको कंसेंट नहीं लेना है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट्स नहीं होते, जनरली लिख दिया जाता है। तो वैसे इक्विटी वालों को होते हैं, आर्टिकल्स में लिख दिया जाता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स भी मेंबर्स हैं, बट लिखा होता है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ना नोटिस भेजा जाएगा ना उनको वोटिंग राइट्स रहेंगे। तो ये सब चीजें लिख दी जाती है, तो उनको नहीं बुलाया जाता। ठीक है, फिर एंटाइटल टू वोट का मतलब वही है, एंटाइटल टू अटेंड एंड वोट। तो जिनको आने का और वोट करने का अधिकार है, उनसे आप ऑनलाइन मोड में कंसेंट ले सकते हैं। ठीक है, प्रोवाइडेड डेट अ जनरल मीटिंग में बी कॉल्ड आफ्टर गिविंग शॉर्टर नोटिस देन दैट स्पेसिफाइड इन दिस सबसेक्शन इफ कंसेंट इन राइटिंग और बाय इलेक्ट्रॉनिक मोड इज अकॉर्डेड देयर टू। इन केस ऑफ एजीएम बाय नॉट लेस देन 95% ऑफ द मेंबर्स एंटाइटल टू वोट देयर एट एंड इन केस ऑफ एनी जनरल मीटिंग। अब एनी जनरल मीटिंग यानी ईजीएम हो गया, ईओजीएम या ईजीएम, अब दोनों का मतलब सेम ही निकल के आता है। यहां पे अलग अलग पॉइंट दिए हैं, लेकिन सबका पॉइंट मतलब वही निकल के आता है। आगे देखो क्या दिया है, होल्डिंग, ये ए गलती से आया, होल्डिंग इफ द कंपनी हैज अ शेयर कैपिटल नॉट लेस देन 95% ऑफ सच पार्ट ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी एज गिव्स अ राइट टू वोट एट अ मीटिंग, और हैविंग इफ द कंपनी हैज नो शेयर कैपिटल नॉट लेस देन 95% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर। तो इन सिंपल वर्ड्स, जब ईजीएम है तो आपके सवाल का जवाब मिल रहा है। अब तो जो नीलमणि ने पूछा था कि 95% ऑफ द वोटिंग में किसको काउंट करेंगे, तो देखो एजीएम में किसको काउंट कर रहे हैं आप, 95% ऑफ द मेंबर्स एंटाइटल टू अटेंड एंड वोट एट द मीटिंग। तो मेंबर्स को काउंट कर रहे हैं, तो उनके पास कितने शेयर है क्या है वो नहीं देख रहे, आप डायरेक्टली मेंबर्स को काउंट कर रहे हैं। ठीक है, उनके पास 10 शेयर होंगे, 100 शेयर होंगे, 1000 शेयर होंगे, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और जनरल मीटिंग, बाकी की जनरल मीटिंग यानी ईजीएम में आप यहां पे देखते हैं टोटल वोटिंग पावर। तो यहां मेंबर्स हैं और यहां पे है वोटिंग पावर्स। तो ए और बी दोनों का ही मतलब सेम निकल के आता है, वोटिंग पावर्स। सिर्फ फर्क यह है, अगर कंपनी का शेयर कैपिटल है तो जो 95% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड कर रहे हैं वही, और अगर शेयर कैपिटल नहीं है तो नॉर्मल जो वोटिंग पावर्स होल्ड कर रहे हैं वो। ठीक है, ऐसा है। देखो मेरा ये खेल ले रहे आप लोग, ऐसे मजाक नहीं करना चाहिए। ठीक है, देखो अजीत बोलता है कि नहीं सर मस्त जोक मारते हो आप, और नीलमणि का बोलना है तू भी बड़ा मस्त जोक मारता है भाई, ऐसा भी हो गया। ठीक है, यानी ये इनडायरेक्टली मेरे ऊपर कमेंट था कि मेरा जोक अच्छा नहीं था। ठीक है चलता है। और अजीत ये भी बोल रहा है कि ये भी सर से ही सीखे, ये तो बहुत ही हो गया यानी बस। ठीक है चलो छोड़ो। हाँ, प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर अ मेंबर इज एंटाइटल टू वोट एट वन वेन रेजोल्यूशन एंड नॉट एट अदर। देखो क्या होता है ना, ध्यान से सुनो अभी, कभी कभी क्या होता है कि जो वोटिंग होती है वो एक मेंबर हर चीज पे वोट नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर इंटरेस्टेड हूं, जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था अभी कि इसमें मेरे को लिखना पड़ता है कि अगर मेरा कोई इंटरेस्ट है तो ये मुझे डिस्क्लोज करना पड़ता है। लाइक मैं अगर खुद की प्रॉपर्टी बेच रहा हूं कंपनी को तो मैं ये चीज बताऊंगा, लेकिन यहां मेरे को वोटिंग नहीं मिलती। अब अगर ये पब्लिक कंपनी है तो पब्लिक कंपनी में फिर मुझे वोटिंग राइट्स नहीं मिलते इसमें। क्यों नहीं मिलते? क्योंकि मैं खुद की प्रॉपर्टी बेच रहा, मैं तो हाँ ही बोलूंगा, तो मेरा नोट मेरा वोट इररिलेवेंट हो गया क्योंकि मैं बायस्ड हो जाऊंगा। सो मुझे वोटिंग करने का अधिकार नहीं है। तो जब कंसेंट की बात की जाएगी
यहां पे हम कंसेंट लेंगे, तो कंसेंट किनकी लेना है? उनकी ही लेना है जो वोटिंग करने का अधिकार रखते हैं। भले मैं मेंबर हूं लेकिन मेरी खुद की प्रॉपर्टी दे रहे थे तो मुझे वोटिंग का अधिकार नहीं है, तो यहां मेरी कंसेंट की जरूरत नहीं रहती। ठीक है, तो वही दिया है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर एनी मेंबर ऑफ अ कंपनी इज एंटाइटल्ड टू वोट ओनली एट सम रेजोल्यूशंस टू बी मूव्ड एट अ मीटिंग एंड नॉट एट अदर्स, दोज मेंबर शैल बी टेकन इन टू अकाउंट फॉर द पर्पज ऑफ दिस सबसेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ द फॉर्मर रेजोल्यूशन। यानी जिसमें वोटिंग का अधिकार है उसके लिए उसको गिनो, जिसमें अधिकार नहीं है उसके लिए उसको मत गिनो। ठीक है, एंड नॉट इन रेस्पेक्ट ऑफ लेटर। तो कोई खास काम का नहीं है, एकदम लॉजिकल पॉइंट है, बट कोई खास काम का नहीं है, ऐसा है। चलो फिर आगे दिया है क्या क्या बताया होना चाहिए। एवरी नोटिस ऑफ अ मीटिंग शैल स्पेसिफाई द प्लेस द डेट एंड डे एंड द आवर ऑफ द मीटिंग एंड शैल कंटेन अ स्टेटमेंट ऑफ बिजनेस टू बी ट्रांजेक्टेड एट द मीटिंग। इसको हम प्यार से बोलते हैं एजेंडा। ये सब वर्ड्स पढ़े होंगे ना आपने, पिछले साल आपने नोटिस की ड्राफ्टिंग किए थे या स्किप कर दिए थे, तो इंपॉर्टेंट रहता है वो नोटिस की ड्राफ्टिंग, तो ये वर्ड्स आपने कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, थोड़ा बहुत थेरोटिकल रहा होगा उसमें। हाँ, द नोटिस ऑफ एवरी मीटिंग शैल बी गिवन टू, किस किस को देना है? एवरी मेंबर ऑफ द कंपनी जो जीवित है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव डेथ के केस में, असाइनी या रिसीवर इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी। तो देखो कुणाल का बोलना है पूरा बीसीआर ही स्किप कर दिया था तो ऐसा नहीं करना चाहिए, तो कर देते हैं लेकिन काफी लोग कर देते हैं, सिर्फ लॉ के भरोसे पे पास हो जाते हैं, तो ऐसा बहुत लोग करते हैं, तो खैर नहीं करना चाहिए। हाँ, फिर ऑडिट एंड ऑडिटर्स ऑफ द कंपनी, ऑडिटर्स को भी देते हैं हम, डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, डायरेक्टर्स को भी हम नोटिस देते हैं। फिर एक्सीडेंटल ओमिशन से, नोटिस भले नहीं दिया बट गलती से छूट गया था, तो ऐसे केस में मीटिंग विल नॉट बी इनवैलिड, इट विल बी वैलिड। ठीक है, तो ध्यान रखो इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है आपको, कि कंपनी ने नोटिस भेजा, एक कोई तो भी पप्पू है, पप्पू को नोटिस भेजना रह गया गलती से, बाय ओवरसाइट उसका नाम स्किप हो गया, उसको नोटिस नहीं मिला। अब पप्पू चिल्ला रहा है, नहीं नोटिस नहीं दिए, ये पूरी मीटिंग बेकार है, बकवास है, सब फ्रॉड है, सब गलत है, कुछ भी वैलिड नहीं है, तो क्या पप्पू सही बोल रहा है? तो पप्पू नहीं बोल रहा है। ठीक है, तो एक्सीडेंटल ओमिशन है तो ऐसे केसेस में चलेगा, इट विल नॉट इनवैलिडेट द प्रोसीडिंग, इट विल नॉट इनवैलिडेट द प्रोसीडिंग्स ऑफ द मीटिंग। फिर प्राइवेट कंपनी ये बोल सकती है कि हम किसको नोटिस देंगे और किसको नहीं देंगे। ठीक है, हाँ ऐसा है, नोटिस शुड बी, नोटिस ऑफ मीटिंग शुड बी इन अकॉर्डेंस विद जनरल रूल्स इन रिलेशन टू नोटिस, रूल्स लेड डाउन इन आर्टिकल्स एंड कंपनीज एक्ट एंड सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स, तो SS1 और SS2 जो ICSI ने रिकमेंड किया है। ठीक है, ऐसा है, थोड़ा सा देख लेते हैं फिर अपन, थोड़ा सा देख के फिर क्लास को कंक्लूड कर लेंगे, यहां तक के मैं आपको आज की क्लास में बता दूंगा, बस 10 मिनट लगेंगे क्योंकि ऑलरेडी मैंने पूरा पढ़ के बता चुका हूं, तो यानी समझा के बता चुका हूं, अब सिर्फ रीड करना है। अथॉरिटी, वैसे भी आपका गैप बहुत ज्यादा हो गया था तो चल जाएगा, थोड़ा ज्यादा हुआ तो। अथॉरिटी कौन है? प्रॉपर अथॉरिटी, नोटिस मस्ट बी गिवन बाय द प्रॉपर अथॉरिटी विच वुड नॉर्मली बी दी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बट कभी कभी अ मीटिंग समन्ड विदाउट प्रॉपर अथॉरिटी विल बी इनवैलिड, तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि अगर प्रॉपर अथॉरिटी नहीं है तो इनवैलिड हो जाएगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होना चाहिए, सिर्फ मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं चलेगा, सिर्फ डायरेक्टर नहीं चलेगा, बोर्ड होना चाहिए। हेंस अ रेजोल्यूशन पास्ड एट सच अ मीटिंग विल ऑल्सो बी इनवैलिड, द पावर टू कन्वीन जनरल मीटिंग में बी डेलीगेटेड बाय बोर्ड टू मैनेजिंग डायरेक्टर, अगर डेलीगेट किया है तो फिर वैसा होगा, अगर नहीं किया है तो नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखो, इट मे बी डेलीगेटेड टू मैनेजिंग डायरेक्टर और एनी अदर डायरेक्टर और सेक्रेटरी, तो मे बी डेलीगेटेड, अगर किया होगा डेलीगेट तो वैसा होगा, नहीं तो जो ऑथोरिटी है वही मीटिंग बुला सकती है। ठीक है, तो ध्यान रखना इस पे क्वेश्चन आ सकता है आपको। दस नोटिस ऑफ मीटिंग में बी साइन बाय की मैनेजरल पर्सन और ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी ड्यूली ऑथराइज बाय द बोर्ड। प्रॉपर ऑथोरिटी कौन है? पहले तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, जनरली बोर्ड बुलाती है, नहीं तो शेयर होल्डर्स कुछ केसेस में, बहुत कम केसेस में, और ट्रिब्यूनल बहुत कम केसेस में, सेक्शन 97 और 98 में, तो वो हम देखेंगे कब होता है। इफ हाउएवर नोटिस हैज बीन इशूड विदाउट अथॉरिटी, तो ऐसे केस में
द रिक्विजिट अथॉरिटी मे बी गिवन बाय रेटिफिकेशन, बाद में भी ये अथॉरिटी दी जा सकती है। फिर रिक्वायरमेंट्स ऑफ नोटिस, तीन मेन रिक्वायरमेंट होती है, पर्सन एंटाइटल्ड कौन है ये देखो, प्रॉपर टाइम के अंदर होना चाहिए, लेंथ ऑफ नोटिस एंड कंटेंट्स, उसमें कंटेन क्या क्या चीजें होना चाहिए, बाकी भेजना कैसे वो भी है, बट ये तीन मेन रिक्वायरमेंट होती है। पर्सन एंटाइटल वही है, मेंबर, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, असाइनी, ऑडिटर, डायरेक्टर, अदर रेसिपिएंट्स, इनके अलावा कुछ और लोगों को भी देते हैं, जैसे लिस्टेड कंपनी है तो स्टॉक एक्सचेंजेस को भी दिया जाता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फिर डिबेंचर ट्रस्ट डीड के हिसाब से जो ट्रस्टी होता है उसको भी दिया जाता है। ठीक है, लेंथ ऑफ नोटिस 21 क्लियर डेज। फिर फॉर बोर्ड मीटिंग डायरेक्टर्स कैन फिक्स देयर ओन नॉर्म्स फॉर डिस्पैच एंड सर्विस ऑफ नोटिस, तो वहां पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, बट हम बेसिकली अभी बात कर रहे हैं जनरल मीटिंग की। फिर इवन डिस्पैच ऑफ एजेंडा इज नॉट नेसेसरी इन बोर्ड मीटिंग। 21 डेज जब हम कैलकुलेट करते हैं तो वी शुड एक्सक्लूड द डे ऑन विच द नोटिस इज सर्व्ड, द डे ऑन विच द मीटिंग इज टू बी हेल्ड, वेयर द नोटिस इज पोस्टेड थ्रू इज सर्व्ड थ्रू पोस्ट, तो 48 आवर्स और जोड़ना पड़ेगा, तो टोटल 21 प्लस 2 प्लस 2 यानी प्लस 1 प्लस 1 यानी टोटल 25 दिन आते हैं। 21 क्लियर डेज मीन्स 25 डेज जब पोस्ट से भेज रहे, अगर ईमेल से भेज रहे इलेक्ट्रॉनिक मेल से तो उसमें 23 डेज आएंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक मेल से भी भेज सकते हैं तो वहां 23 डेज देखते हैं, तो आपके लिए 21 क्लियर डेज भी इंपॉर्टेंट है। फिर हर मेंबर को नहीं दिया जाता, ये भी दिया है, जैसे प्रिफरेंस शेयर होल्डर्स ये मेंबर है बट इनको नहीं दिया जाता नोटिस, इनको नोटिस देने के लिए मना किया जाता है इन दी आर्टिकल्स, आर्टिकल्स में लिख देते हैं कि हम इनको नोटिस नहीं भेजेंगे। फिर देयर इज अ स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन टू सेंड नोटिस टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जब उनको डिविडेंड नहीं दिया जाएगा फॉर मोर देन अ सर्टेन पीरियड, ये ध्यान रखो, आगे मैं बताऊंगा, वैसे इसी चैप्टर में आएगा। अगर आपने किसी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को 2 साल तक डिविडेंड नहीं दिया, 2 साल डिविडेंड नहीं बांटा, तो मान लिया जाता है उनको हर वो अधिकार मिल गया जो एक इक्विटी शेयर होल्डर को मिलता है, मीन्स उन लोग को वोटिंग राइट्स भी मिल जाते हैं हर रेजोल्यूशन पे, उनको नोटिस लेने का अधिकार मिलता है, उनको हर अधिकार मिल जाता है जो एक इक्विटी शेयर होल्डर को मिलता है, अगर 2 साल तक उनका डिविडेंड अरियर्स में है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को इक्विटी के बराबर मान लिया जाता है। ठीक है, सो ऐसा है, तो आगे मैं बताऊंगा। सर्विंग ऑफ नोटिस कैसे भेजा जाएगा, तो इट कैन बी सेंट आइदर पर्सनली हैंड डिलीवरी या बाय सेंडिंग इट टू थ्रू ऑर्डिनरी पोस्ट के थ्रू, इवन कुरियर भी चलता है कई केसेस में। फिर हैंड डिलीवरी है, पोस्ट है, फैक्स, ईमेल, ये सब चल जाएगा और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। सर्विस बाय पोस्ट सेक्शन 20 ऑलरेडी पढ़े, पोस्ट से जब भेजा तो 48 आवर्स में मिल चुका है, ये हम मान लेते हैं। एक्सीडेंटल ओमिशन टू गिव नोटिस इट शेल नॉट इनवैलिडेट दी प्रोसीडिंग्स, ये भी ऑलरेडी मैंने बताया। कंटेंट ऑफ नोटिस क्या क्या चीजें होती है, वही है टाइम, डेट, डे, प्लेस ऑफ होल्डिंग मीटिंग। सर्विस ऑन ज्वाइंट होल्डर, ज्वाइंट होल्डर में किसको दिया जाता है, तो जिसका नाम पहले आता है, हुज नेम अपियर्स फर्स्ट। एजेंडा होना चाहिए, एजेंडा बताता है हम क्या करने वाले, इट शुड क्लियरली स्पेसिफाई द नेचर ऑफ मीटिंग एंड स्टेटमेंट ऑफ बिजनेसेस टू बी ट्रांजेक्टेड एट मीटिंग, ऑर्डिनरी बिजनेस हो सकता है या स्पेशल बिजनेस, ये क्या होते हैं आगे हम देखेंगे। स्पेशल बिजनेस अगर ट्रांजेक्ट होता है तो साथ में एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट लगाना कंपलसरी होता है। ठीक है, अगला पॉइंट है नोटिस शुड बी अकम्पेन्ड बाय अटेंडेंस स्लिप और प्रॉक्सी फॉर्म, ठीक है, जिसमें लिखा होता है प्रॉपरली फिल करो, साइन करो, स्टैंप भरो और उसको भेज दो। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होते हैं, एजीएम के केस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, ऑडिटेड अकाउंट्स, डायरेक्टर्स रिपोर्ट एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट होती है, साथ में प्रॉक्सी फॉर्म वगैरह जो जनरल पॉइंट्स हैं। ईजीएम में एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट और प्रॉक्सी फॉर्म वगैरह ये सब होता है। नोट्स टू द नोटिस, कुछ नोट्स लिखे होते हैं, रटने की जरूरत नहीं है, एक बार पढ़ लेंगे, देखते हैं। नोट्स टू द नोटिस आर गिवन इमीडिएटली आफ्टर द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑर्डिनरी एंड स्पेशल बिजनेस आइटम्स। नोट्स में क्या क्या लिखा होता है, ये नीचे लिखा होता है, नोटिस खत्म हो गया उसके नीचे लिखा होता है। नोटिस मस्ट स्टेट अबाउट द राइट ऑफ मेंबर टू अपॉइंट अ प्रॉक्सी, प्रॉक्सी को अपॉइंट कर सकते, ये लिखा होता है। आगे पढ़ेंगे हम प्रॉक्सी कौन होता है,
कैसे अपॉइंट होता है, एंड प्रॉक्सी फॉर्म को कम से कम 48 आवर्स पहले आपको डिपॉजिट करना पड़ता है। जैसे आज मीटिंग है तो 2 दिन पहले आ जाना चाहिए कि मेरे बदले ये व्यक्ति आने वाला है, ठीक है, तो 2 दिन पहले ये डिपॉजिट होना चाहिए कंपनी के पास। तो देखेंगे अपन, ये पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट एज पर 102 ये लगाया हुआ है, ये भी हम आगे देखेंगे। क्लोजर ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर्स एंड शेयर ट्रांसफर बुक ये भी आगे देखेंगे। इंफॉर्मेशन अबाउट नॉमिनेशन फैसिलिटी, इंटीमेशन ऑफ डिविडेंड कि अगर डिविडेंड डिक्लेयर किया जाएगा तो इट विल बी पेड विद इन 30 डेज, ये लिखा होता है, ये भी आगे देखेंगे। एंड रिक्वेस्ट टू मेंबर्स टू ब्रिंग द मीटिंग ब्रिंग इन द मीटिंग एडमिशन स्लिप, एडमिशन का जो स्लिप होता है अटेंडेंस स्लिप वो लेके आना पड़ता है, तो ये कोई काम का नहीं है। फिर वेयर अ नोटिस इज एडवर्टाइज्ड इन न्यूज़पेपर सर्कुलेटिंग इन नेबरहुड ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इट इज रिगार्डेड एज हैविंग बीन सर्व्ड ऑन द डे ऑन विच द एडवर्टाइजमेंट अपीयर्स। जैसे कोई भारत के बाहर रह रहा है तो क्या हम उसको वहां पे नोटिस भेजेंगे? नहीं, उसको आप न्यूज़पेपर में दे दोगे तो सफिशियंट है और यहाँ के एड्रेस में देना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखो, आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, एक व्यक्ति है जो बाहर रहता है, भारत के बाहर, उसने यहाँ पे कोई एड्रेस नहीं दिया हमारा, यानी उसका खुद का एड्रेस नहीं बता के गया, तो ऐसे केस में आप उसको कैसे नोटिस भेजोगे? आप न्यूज़पेपर में पब्लिश कर दो, मान लिया जाएगा उसको पहुंच चुका है, भले ही वो दूसरे देश में रह रहा है, बट हम मान लेते हैं उसको मिल गया नोटिस, ठीक है। सो वैसे उसके यहाँ के एड्रेस पे भेजो, यहाँ का एड्रेस दे के गया है तो, और अगर दिया ही नहीं है तो ऐसे केस में आप उसको पेपर में पब्लिश कर दो, मान लिया जाएगा उसको मिल चुका है नोटिस, ठीक है। वो ये नहीं बोल सकता कि नहीं मैं कैनेडा में रहता हूं, मुझे कैनेडा में भेजो, तो वो ऐसा नहीं बोल सकता, ठीक है। तो वही दिया है, तो ऑन एवरी मेंबर हैविंग नो रजिस्टर्ड एड्रेस इन इंडिया और हु हैज नॉट सप्लाइड टू द कंपनी एड्रेस विद इन इंडिया फॉर गिविंग द नोटिस, तो उसको हम पेपर पब्लिकेशन के थ्रू भेज देते हैं। तो वेयर अ पर्सन रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट द नोटिस, तो मान लिया जाता है उसको नोटिस मिल चुका है, तो ये तो जनरल रूल है कि जब भी मैंने किसी को नोटिस भेजा, उसने बोला नहीं नहीं मेरे को नहीं चाहिए और पोस्टमैन ने लिख दिया, उसने रिफ्यूज किया, मान लिया जाता है उसको मिल चुका है, ठीक है। ये जनरल क्लॉजेस में भी देखेंगे हम, और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट में जब हम डिसऑनर ऑफ चेक पढ़ेंगे तब भी हम ये देखेंगे, ठीक है। जिन्होंने अर्ली बर्ड बैच पढ़ा है उन्होंने डिसऑनर ऑफ चेक सेक्शन 138 में ये पढ़ा है कि अगर रिफ्यूज कर रहा तो मान लिया जाता है नोटिस हैज बीन सर्व्ड, तो सेम चीज यहाँ पे भी मानी जाती है। तो यहाँ पे अपन क्लास को कंक्लूड करते हैं, अगली क्लास में हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग कैसे होती है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे, एंड स्टेटमेंट टू बी अनेक्स्ट विद द नोटिस, ये सब रिपीट होगा कुछ चीजें, बट आपको साथ साथ में कुछ नई चीजें भी इसमें देखने को मिलेगी और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सो आप रेगुलर इसको करते रहें, ठीक है। तो जैसा मैंने बोला था 10 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएंगे, तो 10 मिनट एक्स्ट्रा हुए हैं, बट कवर हो गया अपना पूरा टॉपिक, और घर पे पढ़ो, बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छे क्वेश्चन इस पे से आएंगे और क्वेश्चन बारीक बारीक पॉइंट पे भी आ सकते हैं, आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल भी आपके मार्क्स यहाँ पे कटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो ऐसा है, और जिन्होंने डायग्राम बनाया नहीं होगा वो एटलीस्ट इसका स्क्रीनशॉट तो ले ही ले। सो आज की क्लास को यहाँ कंक्लूड करते हैं, अगले क्लास में हम आगे की चर्चा करेंगे, अभी काफी कुछ पढ़ना बचा हुआ है, अभी मैंने सिर्फ एक ट्रेलर बताया हूँ। सो क्वेश्चंस तो मेरे ख्याल से आपको कुछ होंगे नहीं, अभी डाउट्स होंगे नहीं, क्योंकि काफी डीप में अच्छे से समझे हमने, और कुछ रहे भी तो अगली क्लास में जब हम इसके आगे का कंसेप्ट पढ़ेंगे उसके बाद मुझसे डाउट्स आप पूछ लेना, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आया है, देख लेते हैं। नीरज का बोलना है सर एजीएम में 95% मेंबर्स, मतलब अगर 100 मेंबर्स है तो 95% की कंसेंट होनी चाहिए, यस रिगार्डलेस ऑफ शेयर्स, यस। तो ये मतलब वहां से निकल के आता है, और ईजीएम में वैल्यू देख के निकाली जाएगी, ठीक है। तो ऐसा है, चलो सो क्लास को कंक्लूड करते हैं, अगली क्लास में अपन आगे की बातें देखेंगे। चलो थैंक यू।